जो टेक्स्ट का साइज़ होता है ना उसको चेंज करने के लिए हमें CSS में क्या करना पड़ता है, फॉन्ट साइज़ की हम प्रॉपर्टी लगाते हैं, और यहाँ पे तीन इन्होंने तरीके मेंशन किए हुए हैं फॉन्ट के साइज़ को लगाने के लिए ना, जैसे कलर को लगाने के लिए इन्होंने तीन तरीके बताए हुए थे, फिर वो आगे अभी चौथा भी एक देखा है हमने जो पता नहीं अभी वो हमने कवर कर लिया, HSL अभी आगे आएगा होपफुली। अच्छा ये हम ज़रा इसको देख लेते हैं फ़िलहाल ये तीनों, कि ये तीनों का क्या चक्कर है। अच्छा तो यहाँ पे ये लिखते हैं कि जी द फॉन्ट साइज़ प्रॉपर्टी इनेबल्स यू टू स्पेसिफाई साइज ऑफ द फॉन्ट, देर आर सेवरल वेज टू स्पेसिफाई द साइज ऑफ अ फॉन्ट, द मोस्ट कॉमन आर पिक्सल्स, कि भाई ये पिक्सल में आप बता दें कि ये इतने पिक्सल का फॉन्ट है। अच्छा या आप परसेंटेज में बता दें या आप EMS में बता दें। अच्छा तो सबसे प्राइमरी जो है वो तो पिक्सल है, तो पहले ज़रा ना हम ये समझ लेते हैं कि भाई चक्कर है क्या ये। जैसे इन्होंने देखें बॉडी का साइज़ ना, इन्होंने बोला 12 पिक्सल है, तो आप देखें बॉडी का जो टेक्स्ट आ रहा है ना वो ये 12 पिक्सल का साइज़ ये दिख रहा है मुझे। अच्छा फिर इन्होंने बोला H1 का जो साइज़ है ना वो 200% हो जाए, तो ज़रा वो बड़ा दिख रहा है। तो वेल पहले हम पिक्सल को ज़रा हम समझ लेते हैं कि जो फॉन्ट का साइज़ है ना वो, अगर ये कह रहे हैं कि 12 पिक्सल तो व्हाट डज इट मीन, कि 12 पिक्सल का क्या मतलब है। ठीक है फॉन्ट साइज मेजरमेंट, ठीक है जी, कि फॉन्ट का जो साइज़ है ना उसकी मेजरमेंट क्या है। ये कह रहे हैं कि अ फॉन्ट इज़ टिपिकली मेजर्ड इन पॉइंट्स या पिक्सल या पॉइंट विच इज़ वर्टिकल मेजरमेंट ऑफ द लेटरिंग, कि जी वो वर्टिकली जो है ना उसकी जो हाइट है वो कितने पिक्सल है ये इसको नापा जाता है। देर आर अप्रॉक्सीमेटली 72 पॉइंट्स इन 1 inch, ठीक है ये 72.1 inch वाले को आप रिलेट करेंगे जो हमारा वो था ना, हमने क्या पढ़ा था जो ऐसे ही बिला वजह ब्लिंक हो रहा था इसको हम तार निकाल दी। हाँ हमने जो पढ़ा था ना 72 पिक्सल पर इंच, हमारे पास जो स्क्रीन के अंदर जो रेजोल्यूशन होता है आमतौर पे वो 72 पिक्सल पर इंच होता है, यानी अगर एक स्क्रीन 10 इंच उसकी चौड़ाई है अगर स्क्रीन की तो वो क्या होता है आमतौर पे हर इंच में उसके 72 पिक्सल होता है। अच्छा ये मिनिमम है 72 पिक्सल, अब जो नए वाले डिस्प्ले हैं उसके अंदर 72 पिक्सल से भी ज़्यादा हार्डवेयर लेवल पे सपोर्ट है, लेकिन सॉफ्टवेयर लेवल पे हम स्टिल 72 ही इसको कंसिडर कर रहे होते हैं। अच्छा तो अब ये फॉन्ट कहाँ से कहाँ तक नापा जाता है, ज़रा हम इमेजेस में जाते हैं तो वहाँ पे हमें होपफुली कोई इमेज नज़र आ जाएगी। ठीक है ये इन्होंने देखें यहाँ पे ना ये पूरा बना के बताया हुआ कि ये जी क्या चक्कर है फॉन्ट के, जो है ना जो यूनिट जो मेजर कर रहे होते हैं वो क्या होता है। अच्छा ये एसेंडर लाइन होती है ये, या एसकेंडर कह लो उसको, या एक कैप हाइट होती है, ये जो H कैपिटल H है ना ये यहाँ से जो लगा हुआ है, तो फॉन्ट की जो मेजरमेंट होती है वो पूरी होती है यहाँ से लेके यहाँ तक। ये देखें 13 वाले को इसने वो गोल करके मार्किंग की हुई है ना, तो जो फॉन्ट का साइज़ है वो ये असल में ये वाला है पूरा, यहाँ से लेके यहाँ तक इसको नापा जाता है। ठीक है नहीं यार ये तो उसने कुछ गड़बड़ बताई है बात, ये तो उसने कुछ गड़बड़ बात बता दी मुझे लग रहा है, ये इसको बॉडी हाइट जिस चीज़ को कह रहा है ना ये असल में तो वो होता है फॉन्ट का साइज, कि फॉन्ट का जो टॉप है और फॉन्ट का जो बॉटम है वो कैप हो, कैप हाइट कह रहा है। हाँ इसको ये बॉडी हाइट कह रहा है, ये वाला बॉडी हाइट कह रहा है इसको, ये फॉन्ट जहाँ ख़त्म है ना ये जी जो नीचे आ रहा है जी, ये डिसेंडर, तो ये असेंडर से लेकर डिसेंडर तक जो है ना फॉन्ट का साइज होता है। अभी इसने कोई गड़बड़ कर दी है इसमें, असेंडर से लेकर डिसेंडर तक जो है ना फॉन्ट का साइज आमतौर पर नापा जाता है। ठीक है ये आप देखें ये 12 पॉइंट का जो है ना, अब देखें ये असेंडर से लेके ये जनी जो कैपिटल लेटर का जो टॉप है यहाँ से ज़ीरो पकड़ा है उसने, और ये जहाँ पे ना वाई जो आ रहा है ये यहाँ तक। अच्छा लेकिन ये 11 बन रहा है 12, हाँ तो उसने सही बताया था, इसका मतलब है उसने सही बताया था, यानी जहाँ पे ये ख़त्म हो रहा है ना उससे एक लाइन और नीचे तक ही आ रहा है, थोड़ा सा और नीचे तक आ रहा है। ठीक है ये फुल 12 नहीं होगा 11 होगा, ये 11 होगा लेकिन इसको 12 कहेंगे, कंसीडर हम इसको 12 कहेंगे। अच्छा वो अभी मुझे ये समझ आ गया क्या चक्कर है, वो अगली लाइन से स्पेस देने के लिए एक ये छोड़ा होता है, इसको हम बढ़ा भी सकते हैं। असल में ना जीरो से शुरू कर रहा है। ओह यस
इस एक्चुअली ज़ीरो से शुरू कर रहा है। बिल्कुल आपने सही बात की है, ये असल में ज़ीरो से शुरू कर रहा है, तो ज़ीरो से 11 तक 12 है। बिल्कुल बिल्कुल सही है यार, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे भी इन्होंने इसी तरह से मेजर करके बताया और यहाँ पे भी इसी तरह बताया। वेल, तो हमने ये हाइट को समझ लिया कि जी वो हाइट ना कहाँ से कहाँ तक नापा जाता है, क्योंकि अक्सर इसमें कन्फ्यूजन होती है कि क्या इसकी क्या हाइट है या वो विड्थ है या वो क्या चक्कर है। फिर उसमें ना कुछ देखें वो कुछ ऊपर हुए हुए होते हैं, कुछ नीचे हुए हुए होते हैं, तो ये भी एक बड़ा कन्फ्यूजन रहती है। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि हम इसको क्लियर कर लें। यहाँ पर भी हमारे पास ना इन्होंने टर्मिनोलॉजी ये बताई हुई है। अरे कहाँ चला गया वो, ऊपर चलते हैं, वो असेंडर और डिसेंडर करके ना इसमें ये रहा, ठीक है। ये असेंडर और डिसेंडर इन्होंने भी यहाँ पे ये बताया हुआ है कि जी ये क्या चक्कर है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने ये नहीं कहीं पे लिखा कि ना फॉन्ट की जो फॉन्ट का जो साइज़ होता है वो जो है वो असेंडर से लेके डिसेंडर से थोड़ा सा और नीचे तक होता है, ये इन्होंने यहाँ पे बात नहीं बताई है। हालांकि इनको यहाँ पे बतानी चाहिए थी आई थिंक, ठीक है। वेल, तो अब हम आगे आ जाते हैं वापस अपने जो पेज पे जो हम पढ़ रहे थे कि जी फॉन्ट का साइज़। अच्छा, अब ये पिक्सल तो हमें समझ आ गया जी कि अगर हम 12 पिक्सल किसी फॉन्ट को लगाते हैं साइज़ को तो वो एक सर्टेन साइज़ में मुझे दिख जाएगा, ठीक है, 12 पिक्सल। अच्छा, एक इंच में क्योंकि क्या होते हैं मेरे पास 72 पिक्सल्स होते हैं, तो 12 पिक्सल जब आप लगाते हैं तो आपको अच्छी तरह अंदाज़ा हो जाएगा कि अच्छा जी स्क्रीन पर ये कितने बड़े साइज़ में मुझे नज़र आएगा, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर मैं किसी फॉन्ट को क्या कर दूँ 72 उसका साइज़ कर दूँ तो वो हाइट में मुझे पूरे एक इंच का नज़र आएगा, ठीक है, पूरे एक इंच का मुझे उसको नज़र आना चाहिए। अच्छा, अब जो ये 200 है ये क्या चक्कर है, ये तो चलो पिक्सल तो भाई समझ आ गया, आसान था। तो जी परसेंटेज को ज़रा हम यहाँ पे आके देखते हैं कि इन्होंने क्या बात लिखी है। द डिफ़ॉल्ट साइज़ ऑफ द टेक्स्ट इन ब्राउज़र इज़ 16 पिक्सल, ठीक है। बॉडी के अंदर जो भी हम टेक्स्ट लिख रहे होते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, वो 16 पिक्सल होता है। इसको हम वेरीफाई कैसे करेंगे, इसको वेरीफाई करने के लिए हम आ जाएंगे, ये जो हमने पेज बनाया हुआ है इसको हम कॉपी पाथ करके और यहाँ पे इसको हम ओपन कर लेंगे। और ओपन करने के बाद इसमें मैंने फॉन्ट का साइज़ चेंज तो नहीं किया ना कहीं यार, एक बल्कि नया पेज बना लेते हैं इसमें, हाँ इसमें मैंने चेंज कर दिया ना, तो हम ना एक नया इसमें फोल्डर बना लेते हैं फॉन्ट साइज़, ठीक है। और इसको हम कर देते हैं कि जी इसमें हमने क्या किया था भाई, दादा इसमें हमने फ्लैक्स बॉक्स पढ़ा था, आई थिंक फ्लैक्स बॉक्स पढ़ा था, 1.flexbox। इसमें ये दोनों को उठा के मूव करवा देते हैं और अब हम इसको बना देते हैं 2.font size, ठीक है जी। यार हमने फ्लैक्स बॉक्स पढ़ा था, इसमें फ्लैक्स बॉक्स तो अभी शुरू नहीं हुआ हमारा, नहीं नहीं हमने नहीं पढ़ा था। हाँ नहीं, ये क्या पढ़ा था इसमें, हमने क्या कोड लिखा है इसमें जो है वो, अच्छा बैकग्राउंड कलर हमने पढ़ा है इसमें, कलर वगैरह और क्या पढ़ा है, स्टाइलिंग हमने पढ़ी है, स्टाइलिंग की बैकग्राउंड कलर। अच्छा ये एक्चुअली हेलो वर्ल्ड है हमारा, ये हेलो वर्ल्ड है हमारा, ये हमने जो है ना हेलो वर्ल्ड पढ़ा था, ये कह रहा हूँ यार। अच्छा जी यहाँ पे मैं कह देता हूँ कि जी H1 और मैंने इसको कह दिया कि जी फॉन्ट साइज, और यहाँ पे मैं कुछ क्या कर लूँगा, स्टाइलिंग कर लूँगा यहीं पर, और यहाँ पे आके मैं एक पैराग्राफ लिखता हूँ बॉडी में, और इस पैराग्राफ को मैं बुक से ही उठा लेता हूँ, ये बुक से मैंने एक पैराग्राफ उठा लिया। सर इसमें कोई एक आती है लॉरम करके, कोई लॉरम लिखो तो, हाँ लॉरा लिप्सम भी आ जाती है, हाँ ठीक है वो भी लिख सकते हैं, अच्छे वो भी सही पैराग्राफ, हाँ उसकी उस पैराग्राफ की क्वालिटी पता है क्या है सर, उसमें ए से जेड तक के सारे कैरेक्टर हैं, अच्छा ये हमें, इसलिए वो लिखते हैं लॉरा लिप्सम लिख के दिखा रहे यार। वो मुझे अभी मैं भूल गया हूँ कि वो कैसे लिखते हैं VS Code, लॉरम लिख के एंटर करें तो आ जाता है। अच्छा बढ़िया, ठीक है। इसमें A से Z तक के ना सारे कैरेक्टर होते हैं,
नहीं अच्छा वो इस वाले में नहीं, वो जो एक ब्राउन फॉक्स करके भी एक होता है ये वाला सेंटेंस, ब्राउन फॉक्स आपको एक ब्राउन फॉक्स वाला हाँ उसमें होता है। ये लॉरेल इप्सम में भी कुछ इसी तरह का चक्कर है बारह क्यों, बट इसमें मुझे जेड नज़र नहीं आ रहा। इसमें मोदी का नाम भी है ना। अच्छा किसी इंडियन डेवलपर ने डाला होगा ये मोदी जी। हाँ मुझे इसमें इसमें जेड नहीं है, ये वो वाला नहीं है, वो क्विक ब्राउन फॉक्स वाला बन जाना है, वो क्विक ब्राउन फॉक्स वाला चक्कर है वो। हमारे क्विक ब्राउन लेयर ने देखे मोदी को पकड़ लिया। अच्छा तो हम क्या कर रहे थे यार, इसको ना चला के देख रहे थे हम, और हम ये वेरीफाई करना चाह रहे थे कि क्या वाकई इसका जो साइज़ है फॉन्ट का वो 16 पिक्सल है। ठीक है, इस वक्त मेरा पे जो जूम साइज़ है ना, जूम साइज़ मैंने ज़ीरो किया हुआ है। ज़ीरो कैसे होता है ये, या तो मैं जब जूम इन करता हूँ ना तो ये इधर एक छोटा सा बना हुआ आ जाता है ये, सही है। इस पे जब मैं क्लिक करूँगा ना, ये मुझे बता रहा है 150% है। इसको मैं माइनस करके या तो 100 पे ले आऊँगा, ठीक है, या तो मैं इसको रीसेट दबाऊँगा तो ये खुद ही 100 पे हो जाता है। ठीक है, जैसे ही 100 होगा यहाँ से गायब भी हो जाता है। उसके अलावा अगर आपने जूम इन किया हुआ है तो आप कंट्रोल प्लस से जूम होता है, कंट्रोल माइनस से जूम आउट होता है, कंट्रोल ज़ीरो से जो है ना ये 100% जूम पे खुद ही चला जाता है। तो ये इस वक्त 100% बाय डिफ़ॉल्ट 100 ही खुलता है, लेकिन सम टाइम हमने जूम किया होता है ना तो ज़ीरो करो तो वो अपनी जगह पे चला जाता है। कंट्रोल ज़ीरो, कंट्रोल ज़ीरो, कंट्रोल माइनस, कंट्रोल प्लस, ये तीन बटन साथ साथ ही हैं। अच्छा इसको मैंने भाई ज़ीरो पे कर दिया, अब मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर जाके क्लिक करूँगा जब और इसको खोलूँगा तो पैराग्राफ के ऊपर जो है ना आप देखें क्या हुआ, वो होता है कि नहीं ये तो पैराग्राफ है ना। चलो एक दूसरा भी तरीका है कि मैं फॉन्ट साइज़ इसको लगाऊँ और फॉन्ट साइज़ लगा के ना इसको मैं 17 पिक्सल दूँ, 17 पिक्सल, तो ये थोड़ा बड़ा हो गया, 17 पिक्सल मैंने दिया तो थोड़ा सा बड़ा हो गया। देखिए इसको मैं हटा रहा हूँ लगा रहा हूँ तो बड़ा हो रहा है, लेकिन जब मैं इसको 16 दूंगा ना तो फिर ये हिलेगा नहीं अपनी जगह से, क्योंकि पहले से ही 16 है ये। ठीक है, ये वेरीफाई हो गया, तो इससे ही वेरीफाई हो गया कि ये वाकई 16 पिक्सल ही है। इसको मैं 15 करूँगा तो भी हिलेगा ये, 15 करने से भी मूव कर रहा है, लेकिन 16 लगाऊँगा तो फिर वो हटाऊँ या लगाऊँ उसको पता नहीं चलेगा। अच्छा वेल, तो बताना ये चाह रहा था मैं कि पैराग्राफ के ऊपर ना पहले से भी कुछ स्टाइलिंग लगी हुई होती है। नहीं अच्छा, क्योंकि पैराग्राफ जिस साइज़ में दिख रहा है ना, अगर इस पर साइज़ ही ना लगा हुआ हो तो ये दिखेगा ही नहीं मुझे। तो बाय डिफ़ॉल्ट जब HTML में हम पैराग्राफ लिखते हैं ना तो उस पर कुछ साइज़ लगा हुआ होता है। इन्होंने जो साइज़ लगाया है ना यहाँ पे वो लगाया हुआ है 1 EM, सही है। हाँ अभी हम EM अगला भी हमारे पास है, इसीलिए मैंने ना वो दूसरा करके बता दिया। अच्छा ये कुछ स्टाइलिंग ना दिखा नहीं रहा, शायद कुछ छुपा ले रहा है। वेल बाय डिफ़ॉल्ट उन्होंने लिख दिया बुक में कि भाई 16 ही होता है, तो वापस आ जाते हैं हमारी बुक में। अच्छा अब ये बाय डिफ़ॉल्ट ना परसेंटेज जब हम लिखेंगे ना कि जी इन्होंने कहा यार डिफ़ॉल्ट साइज़ ऑफ द टेक्स्ट इन द ब्राउज़र 16 पिक्सल, सो अ साइज़ ऑफ 75 वुड बी द इक्वेलेंट ऑफ 12 पिक्सल। अब जो भी अगर हम लिखेंगे 100% तो इसका मतलब होगा 16। अगर 100 को हम 50% कर देंगे तो 8 पिक्सल हो जाएगा, 100 को हम 200 कर देंगे तो 16 दूनी 32 हो जाएगा। तो ये वाला है कि 200 लिखोगे तो 32 आएगा, तो असल में अंदर चल पिक्सल ही रहा है, परसेंटेज में लिखेंगे तो वो पिक्सल को डबल करके और आधा करके वो उसी हिसाब से दिखा देगा। हाँ एक और तरीका है, अल्टरनेटिव है। इफ़ यू क्रिएट अ रूल टू मेक ऑल टेक्स्ट इनसाइड द बॉडी एलिमेंट टू बी 75%, द डिफ़ॉल्ट साइज़ विल बी 12 पिक्सल। अगर हम ये करें कि हम बॉडी के एलिमेंट पे जाके हम लिख दें भाई 75%, तो वो बॉडी अपना टेक्स्ट खुद ही छोटा कर लेगा, यानी 16 पिक्सल इज़ द स्केल। अब उसी से ऊपर या नीचे हम जा रहे होंगे। देन स्पेसिफाई अनदर रूल इंडिकेट्स दैट द कॉन्टेंट ऑफ एन एलिमेंट इज़ इनसाइड इज़ 75%। अच्छा फिर क्या कह रहा है कि जी बॉडी को तो हमने कर दिया 75, अब बॉडी के अंदर किसी एक डिव में मैं गया और उस डिव में जाके मैंने बोला कि आप भी क्या कर लो बच्चा अपना साइज़ 75 कर लो, तो अब क्या होगा, क्योंकि अंदर बॉडी पे तो 75 लगाया ना तो उसने अपना ही साइज़ कम कर लिया, लेकिन जब मैं अंदर जाके डिव पे लगाऊंगा ना मज़ीद 75 तो वो क्या होगा, वो बॉडी का अभी जो साइज़ है ना उसको देखते हुए अपने आप को छोटा करेगा, तो वो हो जाएगा 9 पिक्सल। अच्छा इसने 75 लिखा है ना, मैं ज़रा थोड़ा आसान लफ्ज़ों में बता दूँ, अगर मैं बॉडी पे जाके बोलूँ कि आपका साइज़ हो जाए 50%, तो बॉडी का साइज़ क्या हो जाएगा, 16 से आधा हो जाएगा, 8 पिक्सल हो जाएगा।
अब बॉडी को तो मैंने कर दिया 8 पिक्सल, 50% कर दिया। अब मैं उसके अंदर किसी डिव में जाके, बॉडी के अंदर मौजूद किसी डिव में जाके मैं बोलूँगा कि अगेन मैं बोलूँ 50%, तो वो क्या करेगा, वो बॉडी का साइज़ देखेगा दोबारा। बॉडी का साइज़ ऑलरेडी 50 है, यानी 8 पिक्सल है, तो अब उसका पिक्सल वो 4 पिक्सल कर देगा। सही है, यानी डबल, जब अंदर वालों पे बॉडी को ही देख रहा होगा वो, ठीक है। अच्छा, बॉडी को आमतौर पे हम क्या करते हैं, 16 पिक्सल ही रहने देते हैं। सही है, हम बॉडी को छेड़ते नहीं है। अच्छा, अभी वो आगे लेकिन बताएगा भी कि सम टाइम ना बॉडी को 12 पिक्सल भी रखते हैं, ठीक है। अभी 12 पिक्सल और 16 पिक्सल ये डिज़ाइन लेवल की चीज़ है, अभी हम थोड़ी देर में उसको समझते हैं। अच्छा, तो ये हमें समझ आ गया कि भाई ये बॉडी के साथ जो है ना इसका ताल्लुक है। अच्छा, अब सवाल ये है कि मैं अगर पिक्सल में लिखूँ फॉन्ट का साइज़ या मैं परसेंटेज में लिखूँ फॉन्ट का साइज़, तो इन दोनों में क्या आपको लगता है कि फ़र्क हो सकता है? यार, ये बीप की आवाज़ कौन से कंप्यूटर में से आ रही है? सेंटर में कोई पीसी था। देखो यार, ज़रा आइडेंटिफाई करके ना बंद कर दो, उसको प्लग निकाल देना नीचे। हाँ भाई, अगर मैं परसेंटेज में लगाता हूँ सर और अगर मैं पिक्सल में लगाता हूँ, तो क्या लगता है कि क्या फर्क हो सकता है? परसेंटेज, ये जो बायोस पर रुका भाई, ये वाला है सर, ये जो है तो वैसे सेम चीज़ है दोनों, इसको भी अल्टरनेटिव है। नहीं नहीं, परसेंटेज विड्थ में जाता है? नहीं नहीं, विड्थ में नहीं, परसेंटेज भी हाइट को ही देख रहा होता है, फॉन्ट की हाइट को देख रहा होता है। पिक्सल्स को थोड़ा है ना सर परसेंटेज के हिसाब से, कि ये इतने परसेंट, ये 50% और इतना ही है, 100% और इतना ही है, उसका 75% है। तो अगर हम उस हिसाब में अगर 50% लगाते हैं तो उसका हाफ हो जाएगा, पिक्सल्स का हाफ हो जाएगा। नहीं सर, सर का मतलब ये कि जब पी एक्स में काम हो रहा था तो परसेंटेज देने की क्या ज़रूरत थी? नहीं, मैं ये सवाल है कि क्या आया कि आपको ऐसा लग रहा है कि परसेंटेज में देने का कोई फ़ायदा हो सकता है? फायदा हो, अगर कोई फ़ायदा आपको समझ आ रहा है तो वो ज़रा बताएं। सर यही फ़ायदा है, जैसे आप डिज़ाइनिंग वगैरह कभी बॉडी को हाफ कर सकते हैं, जैसे बॉडी पे हमने कुछ और लगाया हुआ तो उसको हाफ करना चाहेंगे तो हम 50% लिख देंगे, ऐसे इस चीज़ के लिए, इस चीज़ का मतलब फायदा हो सकता है हम किसी चीज़ को उसमें। लेकिन अभी आपने एक चीज़ और बताई थी सर, कि ये डिज़ाइनिंग लेवल की कोई चीज़ है? नहीं नहीं, वो तो ये है कि बॉडी को 12 रखना है या 16 रखना है, वो है, वो अभी थोड़ी देर में आएगा कि बॉडी को 12 रखेंगे या 16 रखेंगे, वो है। लेकिन वैसे ही अभी तो हमें अभी क्या रखना है ये नहीं पता हमें, बट हमें परसेंटेज या पिक्सल में हम अगर देना चाह रहे हैं तो क्या फ़र्क होगा उसका? अच्छा देखो, फ़र्क उसका ये होगा कि सम टाइम क्या होता है कि बॉडी का साइज़ ना इंक्रीज़ हो जाता है, सम टाइम बॉडी का साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है, बॉडी यानी पेडिंग। हाँ, ये जो 16 पिक्सल है ना बॉडी में, जो टेक्स्ट का जो साइज़ है वो 16 पिक्सल है, सम टाइम ये इंक्रीज़ हो जाता है। अच्छा, तो अगर बॉडी का साइज़ इंक्रीज़ हो गया है तो उसके अंदर मौजूद जितने भी डिव हैं और जितने भी उसमें हेडिंग्स वगैरह लगी हैं, जितने भी पैराग्राफ हैं, उन तमाम का साइज़ उसके साथ साथ इंक्रीज़ होना चाहिए, है ना? तो अगर मैं परसेंटेज में नहीं दूंगा ना तो वो काम नहीं होगा। आगे देख लेते हैं कि वो कैसे होगा। अच्छा, वो कैसे होगा सम टाइम इंक्रीज़? बहुत सारे एक्सटेंशन होते हैं, टेक्स्ट जूम, ठीक है, मैं टेक्स्ट को अगर जूम करता हूँ, जैसे ये तो कुछ और भूल गया, क्रोम एक्सटेंशन मुझे चाहिए, ये आ गया। अब ये एक एक्सटेंशन है, ये क्या करता है कि टेक्स्ट को जो है ना ये जूम इन करा देता है। इसको मैंने पिन किया यहाँ पे, और पिन करके मैं अपनी वेबसाइट पर आया, ठीक है, क्या कह रहा है ये, कैन नॉट ऑप्टिमाइज। अच्छा चलो, विकीपीडिया के पेज पे चलते हैं, असल में ये लोकल फाइल चल रही है ना इस वजह से। आप देखिए, इसको मैं प्लस करता हूँ ना, तो ये क्या करता है, टेक्स्ट को जूम करता है,
ये पेज को जूम नहीं किया इसने, पेज ज़ीरो पे ही है, ये इसने सिर्फ टेक्स्ट को जूम किया है। सही है, ये पेज ज़ीरो पे ही है, इसने टेक्स्ट को जूम इन कर दिया। अब मैं इसको रीसेट करूँगा तो ये टेक्स्ट वापस चला जाएगा। अब मैं अगर किसी ऐसी वेबसाइट पर जाऊँ ना जहाँ पे इमेजेस वगैरह भी हैं साथ, जैसे ये इमेज है काइंड ऑफ, अच्छा नहीं तो सारा ही टेक्स्ट है, इमेज जहाँ पर ये वाला, अब इसमें आप देखें इमेज अपनी जगह पर है, सिर्फ टेक्स्ट जो है वो जूम इन हुआ है। देखें इमेज अपनी जगह है, इमेज नहीं बड़ी हो रही, इमेज फिक्स है। अच्छा इसको मैं वापस जूम इन जूम आउट करके ना, अगर मैं देखें पेज को मैं जूम इन करता हूँ ये कंट्रोल प्लस से मैं पेज को, तो ये देखें इमेज भी साथ साथ बड़ी हो रही है। ठीक है, वैसे ये वेबसाइट रिस्पॉन्सिव है तो इसलिए ये इमेज का साइज़ हर जूम लेवल पे भी चेंज कर रहा है, लेकिन जो है वो हमारे पास पॉइंट मेरा ये था कि कुछ एक्सटेंशंस ऐसे हो सकते हैं हमारे पास जो क्या करा देते हैं, सिर्फ टेक्स्ट को जूम करा देते हैं। ठीक है, और उसकी वजह से क्या होता है, इसको मैं रिमूव, अच्छा रिमूव कर दूँ इसको ज़रा मैं वापस से। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है कि हमारा बॉडी का जो साइज़ है ना वो इंक्रीज़ हो जाता है, बॉडी का जो हमारा साइज़ है वो इंक्रीज़ हो जाता है। अच्छा, अब बॉडी का साइज़ तो इंक्रीज़ हो जाता है, लेकिन मुझे अब साथ साथ ज़ाहिर है हेडिंग का भी साइज़ इंक्रीज़ करना है। अच्छा, इसी तरह एक्सेसिबिलिटी का, एक्सेसिबिलिटी के भी फ़ीचर्स होते हैं कुछ। एक्सेसिबिलिटी के फ़ीचर कौन से होते हैं ज़रा वो भी मैं आपको दिखा दूँ। तकरीबन हर कंप्यूटर में और हर फ़ोन में ना एक फ़ीचर होता है एक्सेसिबिलिटी का, उसका नाम होता है कि फॉन्ट का साइज़, नहीं मेरे ख्याल ये डिस्प्ले में होता है, डिस्प्ले और टेक्स्ट साइज़। अब देखिए टेक्स्ट का साइज़ जब मैं यहाँ से सेटिंग से भी बढ़ा सकता हूँ, टेक्स्ट का साइज़ मैं सेटिंग से भी बढ़ा सकता हूँ। अब जब मैं वन सेटिंग से टेक्स्ट का साइज़ बढ़ा दूँगा ना तो पूरे सिस्टम में, और मैं कम भी कर सकता हूँ ऑब्वियसली, और ये दरमियान में है फ़िलहाल, तो पूरे सिस्टम का जो साइज़ है ना वो बड़ा हो जाएगा। यानी कि पहले जो ब्राउज़र में 16 पिक्सल खुलता था ना, अब वो 16 नहीं खुलेगा, अब वो जो मैंने बढ़ा दिया वो खुलेगा। ठीक है, अभी तो इसमें इतना नहीं बड़ा हो रहा था साइज़, इसमें एक्सेसिबिलिटी के फ़ीचर में जाके शायद मज़ीद और भी मेरे पास ऑप्शन हो ना, ये टेक्स्ट साइज़। अब ये लार्जर टेक्स्ट को मैं जाके जब ऑन करूँगा ना तो आप देखें ये इतने बड़े तक भी हो जाएगा, अब मेरा पूरा फ़ोन इतने बड़े साइज़ पे हो जाएगा। वरना डिफ़ॉल्ट पे ये क्या था, डिफ़ॉल्ट पे जो था वो ये था साइज़। ठीक है, मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको फुल करता हूँ, और लार्जर को जब करूँगा तो और फुल करने का ऑप्शन आ जाएगा, अब मेरा पूरा फ़ोन इतने साइज़ पे आ जाएगा। मैंने बैक किया, ये देखिए मेरा पूरा फ़ोन बड़ा हो गया, देख रहे हर चीज़ बड़ी बड़ी हो गई है। अब ये जो वेदर की विजिट वगैरह आपको दिख रहे हैं ये पहले छोटे आ रहे थे। ठीक है, इवन आप देखें स्काइप जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये स्काइप कट गया है, पूरा लिखा हुआ ही नहीं आ रहा, गूगल फोटोज़ कटना शुरू हो गया। ठीक है, तो अब इसी तरह जब मैं इस इतना बड़ा फॉन्ट कर दूंगा ना जब मैं, तो किसी वेबसाइट को जब मैं विज़िट करूंगा, ठीक है, जैसे मैं हाँ, तो उसका भी ऑब्वियसली देखें फॉन्ट साइज़ कितना बड़ा हुआ हुआ है। ठीक है, यहाँ पर जाके मैं अगर विकीपीडिया को खोलूँगा, बाई डिफ़ॉल्ट देंगे ये इतना बड़ा साइज़ खुला है। ठीक है, तो बॉडी का साइज़ इसने क्या कर दिया, बढ़ा दिया। अब बॉडी का साइज़ जब इसने बढ़ा दिया ना, तो अब मसला क्या होगा इसकी वजह से, मसला इसकी वजह से ये होगा कि पहले तो मैं इसका फ़ोन का साइज़ वापस से छोटा करूँ, डिस्प्ले और टेक्स्ट साइज़, इसको मैं अच्छा ये एक्सेसिबिलिटी में जाके भी मुझे डिस्प्ले साइज़ को, लार्जर टेक्स्ट को ख़त्म करना होगा। सही है, अब ये वापस अपनी जगह पे आ गया। तो इसकी वजह से समटाइम हमारे अगर बॉडी का टेक्स्ट चेंज होता है डायनेमिकली किसी भी वजह से, तो अब मैंने डिव को दिया हुआ है साइज़ पिक्सल में, तो वो डिव बॉडी का साइज़ पहले 16 था, अब वो बंदे ने जूम इन किया उसको डबल कर दिया, 32 कर दिया सिस्टम के अंदर से। ठीक है, ये लैपटॉप के अंदर भी होता है, ये विंडोज़ मैक लिनक्स ये सब में ऑप्शन होता है एक्सेसिबिलिटी का ना, यानी जिनकी नज़रें कमज़ोर होती हैं, थोड़े बूढ़े हो जाते हैं लोग, फिर उनको छोटा टेक्स्ट नज़र नहीं आता, फिर बड़ा टेक्स्ट कर देते हैं वो, तो हर कंप्यूटर के अंदर ना बाई डिफ़ॉल्ट ये चीज़ मौजूद होती है, जो भी कंज्यूमर लेवल का कंप्यूटर है, इवन टीवी वगैरह में भी होती है कि जी उसका फॉन्ट बढ़ा लो।
अब बॉडी का साइज़ तो हो गया 16 से 32। अच्छा, मैंने बॉडी के टेक्स्ट के हिसाब से नीचे छोटे छोटे डब्बे बनाए थे और उसका मैंने साइज़ जो है वो बॉडी के हिसाब से रखा था कि जी बॉडी का जैसे 16 पिक्सल है ना, तो मैंने कहा कि यार इसको भी मिसाल के तौर पे 20 पिक्सल कर दो। तो वो क्या होगा कि जी वो छोटे छोटे डब्बे, चार डब्बे बने, उसके अंदर जो टेक्स्ट आ रहा है वो बॉडी से थोड़ा सा बड़ा आ रहा है। अब जैसे ही बंदे ने एक्सेसिबिलिटी बढ़ाया, बॉडी का साइज़ हो गया 32 और वो बजाय बॉडी से छोटा बड़ा नज़र आने के, वो बॉडी से छोटा नज़र आना शुरू हो गया। ठीक है, अच्छा, अब वो जितना बॉडी का टैक्स बड़ा होता जाएगा ना, वो डब्बे मेरे उतने छोटे नज़र आने लग जाएंगे और इस तरह ओवरऑल मेरा पेज जो है ना वो ख़राब हो जाएगा। ठीक है, मेरा पेज ओवरऑल ख़राब हो जाएगा और ये मैं कभी भी नहीं चाहूँगा। तो मैं हमेशा क्या करूँगा, हमेशा मैं ये करूँगा कि जो इसको एक्सपेरिमेंट कैसे किया जाए, अभी मैं ज़रा ये सोच रहा हूँ। मैं ज़रा अपने कंप्यूटर का फॉन्ट क्या मैं बढ़ा सकता हूँ, इसमें भी डिस्प्ले में आ रहा होगा डिस्प्ले, अच्छा फॉन्ट साइज़ नहीं आ रहा इसमें, एक्सेसिबिलिटी में होगा तो सही कहीं, लेकिन वो मिल नहीं रहा अभी। फॉन्ट फैमिली फॉन्ट साइज़ ये आ गया ना, एक्सेसिबिलिटी में फॉन्ट साइज़ आ गया। अब ये क्लासिक लार्ज और आउटलाइंड, अच्छा तो मैं इसको लार्ज कर देता हूँ और लार्ज करके अब इसको अप्लाई कैसे करेंगे। अच्छा नहीं, ये तो सबटाइटल का है यार, तो सबटाइटल वाला बन जाना, ये सबटाइटल टेक्स्ट फॉन्ट, हाँ ये आ गया ना टेक्स्ट फॉन्ट 60 पॉइंट से, सही है 60 पॉइंट को मैंने कर दिया 160 पॉइंट, डन। ये भी पता नहीं कौन से वाले का, तो पता नहीं, ये मेरे ख्याल है किसी ये जूम सॉफ्टवेयर है शायद उसका है, ये जूम स्टाइल, जूम इन जूम आउट वाला तो नहीं है। हाँ नहीं, अभी इसको मैं एक्सपेरिमेंट कुछ करने के मैं सोच रहा हूँ कि इसको कैसे एक्सपेरिमेंट किया जाए, कि ना ये बाकायदा इसको हम करके देखें कि यार बॉडी के साइज़ के साथ वो कैसे जो है ना रिलेट हो जाता है। वेल चलो यार, इसको हम वैसे ही अभी छोड़ देते हैं फिलहाल। तो अब मैं आता हूँ यहाँ पे और आके मैं एक डिव बनाता हूँ और इस डिव में मैंने कहा कि जी आइटम वन, आइटम टू, आइटम थ्री, ये तीन आइटम्स हैं मेरे पास और इन तीनों डिव के अंदर मैं क्या लगा देता हूँ, एक क्लास लगा देता हूँ लिटिल बिगर। सही है, लिटिल बिगर इसका फॉन्ट थोड़ा सा बड़ा होगा और एक तरफ मैं इसको देता हूँ कि जी फॉन्ट साइज़ 20 पिक्सल। ठीक है, और या मैं इसको दे सकता हूँ कि जी फॉन्ट साइज़ परसेंटेज में भी दे सकता हूँ, एक वक्त में तो एक ही दूंगा फिर। तो अगर मुझे 16 से 20 पे लेके जाना है तो कितना परसेंट देना पड़ेगा, 120%। ठीक है, 20% मैंने बढ़ा दिया इसको, थोड़ा सा ये बड़ा दिख रहा है मुझे। चार पिक्सल कितना होगा, 16 डिवाइड बाय 100 चार आएगा, 16 पिक्सल मतलब 16 तो 100% है, चार 8 12 16 4 पिक्सल तो होगा, लेकिन 4 पिक्सल 16 का कितना परसेंट हुआ, 16 का 25% 25% आर यू श्योर, 4 8 12 16, अच्छा तो 125% अगर हम करेंगे तो ये एग्जैक्टली वही आ जाना चाहिए 125%। यस यू आर राइट, क्योंकि जब मैं इसको हटाऊं तो ये हिलना नहीं चाहिए पर, हाँ सही है। ठीक है, तो मैं 20 पिक्सल दूं या 125% दूं, एक ही बात है।
ठीक है, एक वक्त में तो मैं एक ही लगा सकता हूँ, तो मैं क्या कर देता हूँ, एक को रोक देता हूँ, अभी सिर्फ मैंने पिक्सल लगाया हुआ है, ठीक है। अब सम हाउ मैंने बॉडी का साइज़ बढ़ाना है इसका, तो मैं इसको क्या करता हूँ, लाइव सर्वर पे चला के ना अपने फ़ोन में खोलने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ये मैंने कॉमेंट किया है, ये कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश से कॉमेंट और अनकॉमेंट और साइज, ठीक है। तो इसको बॉडी का जो फॉन्ट है उससे थोड़ा बड़ा करके दिखाना है मैंने, बल्कि इसको हम क्या कर देते हैं कि इसको हम कर देते हैं 24 पिक्सल और इसको कर देते हैं पूरा 150, सही है, क्योंकि ये थोड़ा डिफरेंट फील नहीं हो रहा, अब ये जाके डिफरेंट फील हो रहा है थोड़ा। अच्छा, अब मैंने क्या कर दिया, ये वाला ना ज़रा मैं अपने फ़ोन में खोलने की कोशिश करता हूँ, और फ़ोन में खोलने के साथ साथ मुझे क्या करना होगा, मुझे मेरी आईपी भी पता लगानी होगी, क्योंकि 127 पे तो नहीं खुलेगा ये, मेरी आईपी इस वक्त है ये 192.168, अच्छा 168 के बाद 0.102, ठीक है जी। अभी मैंने किस पे दिया हुआ है, ये पिक्सल पे दिया हुआ है, परसेंटेज वाले को मैंने हटाया हुआ है। तो अभी क्या होना चाहिए कि अभी अगर मैं अपनी बॉडी को जूम इन या जूम आउट करूँगा, ठीक है, मेरे पास ये फ़ोन पे कुछ इस तरह से खुला हुआ है, बॉडी का टेक्स्ट थोड़ा सा छोटा है, और जो मैंने आइटम्स को दिया है हार्ड कोडेड जो साइज़, वो थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है। अब क्या करता हूँ मैं जाके इसका ज़रा एक्सेसिबिलिटी फ़ीचर में जाके इसका मैं टेक्स्ट का साइज़ बढ़ा देता हूँ, फुल साइज़ कर देता हूँ, ठीक है। जे फुल साइज़ करने से क्या होगा, बॉडी का साइज़ जो है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। इसको दोबारा से ज़रा रिफ्रेश करते हैं, इसको फ़र्क नहीं पड़ा, एक्सेसिबिलिटी को थोड़ा बढ़ाया, इसको तो पता ही नहीं चला, इसको तो नहीं, नहीं वो असल में ये बाकी चीज़ों का टैक्स बढ़ा दिया इसने, लेकिन ये वाला नहीं बढ़ा रहा, ये वाला नहीं बढ़ा रहा, नॉर्मल दिखा रहा, हाँ ये एक्सटेंशन के थ्रू ही होगा तो होगा, ये इस वाले को नहीं समझ आ रहा, ये शायद मे बी जो है ना हमने वो नहीं किया हुआ इसमें, सफारी भी ब्राउज़र है ना हमारे पास, एक अदर सफारी वाले पे खोल के देखते हैं, क्योंकि ये गूगल क्रोम पे तो बहुत सारी चीज़ें इसको समझ ही नहीं आती ना, नहीं सफारी पे भी इसने फॉन्ट के साइज़ को नहीं छेड़ा एक्सेसिबिलिटी फ़ीचर में ना, बाकी चीज़ों को इसने बढ़ा दिया लेकिन फॉन्ट के साइज़ को नहीं बढ़ाया, फॉन्ट साइज़ सेम ही है। अच्छा वेल, तो इसका मतलब ये है कि वो एक्सटेंशन के थ्रू ही होगा, अदरवाइज़ उसके अलावा नहीं होगा। मैंने अभी जो एक्सटेंशन इंस्टॉल किया था ना, वो मैं ज़रा दोबारा इंस्टॉल कर लेता हूँ, मेरा कर्सर कहाँ गायब कर दिया इसने, जो सिर्फ टेक्स्ट को जो है ना जूम इन कर रहा था, टेक्स्ट एक्सेसिबिलिटी क्रोम एक्सटेंशन, टेक्स्ट जूम ऑनली नाम था इसका, इसको मैं ज़रा दोबारा से इंस्टॉल करता हूँ अपने पास, और इसको ज़रा अपनी वेबसाइट पे मैं दोबारा से लगा के देखता हूँ,
रीलोड द पेज कह रहा है, चलो रीलोड कर दिया। अब अच्छा, अब जब मैं उसको जूम इन करता हूँ, नहीं ये सबको ही साथ में जूम कर रहा है क्योंकि ये एक्सटेंशन है, तो इसको ये इतना समझदार तो है क्या ना, ये सब चीज़ों को एक साथ ही जूम कर रहा है। वेल अच्छा, तो अभी हम इसको एक्सपेरिमेंट नहीं कर पा रहे, लेकिन परसेंटेज में देने का ना मेन मकसद यही होता है कि ये हमेशा रिलेट रहे बॉडी के टेक्स्ट के साथ ना, जो बॉडी का साइज़ हो ना उसके साथ साथ ही तमाम का तमाम फॉन्ट ना रिलेटिव रहे, कि जी जो थोड़ा छोटा दिखना है जो थोड़ा बड़ा दिखना है वो उसी तरह से दिखे। ठीक है, परसेंटेज में भी हमारे पास परसेंटेज के बाद हमारे पास जो एक तीसरा व्यंजन है दैट इज़ 1.3 जो से इसने लिखा है EM। अब ये EM का क्या चक्कर है, EM जो होता है ना इज़ इक्वेलेंट टू द विड्थ ऑफ लेटर M। लेटर M का जो साइज़ है ना वो उसकी जो विड्थ होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, तो जितनी लेटर M की विड्थ है ये उसके इक्वल होता है 1 EM। अच्छा, अब ये क्या चक्कर है भाई, ये EM का क्या सीन है, देखें अब ये होता है कि परसेंटेज में ना थोड़ा सा मुश्किल है कैलकुलेशन करना, EM में ना कैलकुलेट करना थोड़ा आसान हो जाता है। क्या मतलब है, जैसे 100% का मतलब है कि 16 पिक्सल, ठीक है, तो 1 EM का मतलब ये है कि बॉडी के अंदर बॉडी का जो भी टेक्स्ट का साइज़ है वो 1 EM का मतलब है कि उस टेक्स्ट के साइज़ में M का जो साइज़ है ना वो, यानी समझ लें वही साइज़ है। तो अगर मैं 1 EM लिखता हूँ ना तो ये 16 पिक्सल ही बनेगा। आगे ज़रा इसको एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि 1 EM लिखने से ये 16 पिक्सल बनता है या नहीं बनता है। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट ये 16 पिक्सल है जो मेरे बॉडी का जो टेक्स्ट है। ठीक है, तो मैं आके क्या करता हूँ यहाँ पे, इसको 1 EM ज़रा लगा के देखता हूँ। मैंने एक आइटम को दरमियान वाले को पकड़ा और मैंने बोला भाई आप क्या हो जाओ, फॉन्ट साइज़ आपका हो जाए 1 EM। ठीक है, तो ये बॉडी के टेक्स्ट के बिल्कुल इक्वल हो गया, आप नोट करें। ठीक है, या बॉडी पे इटसेल्फ अगर मैं जाके बोलता हूँ इस पे कि भाई आपका जो फॉन्ट का साइज़ है वो क्या हो जाए, वो हो जाए 1 EM। ठीक है, तो 1 EM को मैं हटाऊँ या लगाऊँ कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, इसका मतलब है कि ये बॉडी का जो साइज़ है ना वो 16 पिक्सल है, तो 16 पिक्सल इज़ इक्वल टू 1 EM। अच्छा, अब मिसाल के तौर पर मुझे क्या करना होता था, परसेंटेज में ना अगर मुझे डबल करना है साइज़ को तो मुझे लिखना पड़ता था 200%, इसमें मैं 2 EM कर दूंगा सिंपल। ठीक है, किसी को भी मैं आगे बोलूंगा, मैं बोलूंगा भाई 2 EM बड़ा हो गया, 1 EM इज इक्वल टू 100%। हाँ, पॉइंट भी लगा सकते हैं। ठीक है, अच्छा मैंने इसको थोड़ा बड़ा करना है, डबल नहीं करना, तो 1.2 या 1.3 या 1.4 या 1.5। अभी ये 1.5 पे इस वक्त खड़ा है, 150% है ये, है ना, 150% 1.5 एक ही बात है। तो एक ही काम को करने का ये तीसरा एक तरीका हमने देख लिया है। अच्छा, अब एक चीज़ और भी होती है जिसको हम कहते हैं REM, वो इन्होंने यहाँ डिस्कस नहीं किया। EM में और REM में डिफरेंस ये होता है कि REM क्या करता है, वो अपने पेरेंट को नहीं देखता। ये EM जो है ना जो मैंने लगाया है मिसाल के तौर पर, EM क्या करता है, अपने पेरेंट को देखता है, बॉडी के साइज़ को नहीं देखता। ठीक है, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे EM लगाया ना तो ये चीज़ हमारे बॉडी के अंदर है डायरेक्ट, तो बॉडी का साइज़ ये देख रहा है। अच्छा, ये EM अगर लेकिन किसी डिव के अंदर होगा, जैसे इस डिव के अंदर कोई चीज़ बनी है यहाँ पे, और यहाँ पे मैं आके बोलूँगा ना कि जी सम टेक्स्ट, और इसके ऊपर मैं आके जब लगाता हूँ क्लास ABC, क्लास मैंने लगा दिया इसके ऊपर। ठीक है, और इस ABC क्लास के ऊपर मैं आके अगर बोलता हूँ कि 1 EM फॉन्ट साइज 1 EM। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं इसको बोल रहा हूँ ना 1 EM, तो ये ऑलरेडी 150% पे ये है बॉडी इसकी, सॉरी बॉडी इसका पेरेंट इसका, तो ये जो होगा ना ये 1 EM का मतलब ये अपने पेरेंट को देख रहा होगा। सही है, ये बॉडी को नहीं देख रहा होगा। रिफ्रेश किया मैंने इसको, तो आप देखें आइटम 1 के अंदर ये सम टेक्स्ट है। ठीक है, और इस सम टेक्स्ट को मैंने क्या बोला है कि आप हो जाओ 1 EM, तो 1 EM में 16 पिक्सल हो जाना चाहिए था लेकिन ये नहीं हुआ। 16 पिक्सल इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जब EM लगाते हैं ना हम तो ये देखता है अपने पेरेंट को। अच्छा, लेकिन जब हम लगाते हैं इसमें REM तो ये क्या देखता है, ये फिर पेरेंट को छोड़ के बॉडी को देखता है। अब आप देखें ये जाना छोटा हो गया, 16 पिक्सल
ठीक है, तो ई एम और आर ई एम में ना ये छोटा सा एक डिफरेंस है। अगर हम चाहते हैं कि जी अपने पेरेंट को देखे तो वो ई एम लगाना पड़ेगा, और अगर हम चाहते हैं कि जी अपने वो बॉडी को देखे तो हम, अच्छा इसी तरह परसेंटेज में भी है, परसेंटेज भी किसको देखता है, अपने पेरेंट को देखता है, हमेशा वो बॉडी को नहीं देखेगा। अगर वो किसी के अंदर के अंदर के अंदर है ना तो अपने पेरेंट को देखेगा वो। तो अच्छा, तो यही वजह है कि आजकल सिर्फ और सिर्फ एक ही यूनिट इस्तेमाल होता है, वो है आर ई एम, ना पिक्सल इस्तेमाल होता है, ना परसेंटेज इस्तेमाल होता है, ना ही ई एम इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो ये सिर्फ ये वाला जो है आइटम ये रेकमेंडेड है, ये डायरेक्टली बॉडी के साइज से कनेक्ट होता है, दरमियान में जो मर्ज़ी आता रहे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अभी आप बॉडी को भी देख रहे होते हैं पूरी बॉडी, हाँ ये सिर्फ बॉडी के साइज़ को देखता है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं बॉडी का साइज़ इंक्रीज़ करूँगा तो ये साथ साथ अपने आप को इंक्रीज़ करेगा। अच्छा, बॉडी के साइज़ से मैंने करना है अगर उसको 1.5 तो ये 1.5 हो जाएगा, बॉडी के साइज़ से 1.5 हो गया। अब अगर आके देखें मैं बॉडी का साइज़ चेंज करूँगा ना, ये बॉडी है, अब बॉडी पे मैं आके अगर बोलता हूँ कि जी फॉन्ट साइज़ आपका क्या हो जाए, आपका फॉन्ट साइज़ हो जाए 10 पिक्सल, 16 की जगह 10 पिक्सल, तो आप देखें सब साथ साथ छोटा हुआ है, सारे आइटम क्या हुआ है साथ साथ छोटे हुए, ठीक है। लेकिन ये सम टेक्स्ट क्यों नहीं छोटा हुआ, 1.5 आ रही है, मैं ना पेरेंट को नहीं देख रहा ना, नहीं पेरेंट को तो नहीं देख रहा लेकिन बॉडी को देख रहा है, बॉडी को तो देख रहा है ना, ये बॉडी में मैंने क्या किया, अभी बॉडी में मैंने क्या 10 पिक्सल हो जाए साइज़ आपका, तो इसका साइज़ 20 पिक्सल हो जाना चाहिए, सॉरी 20 पिक्सल नहीं 15 पिक्सल होना चाहिए इसका साइज़, तो क्या इसका साइज़ 15 पिक्सल है इस वक्त, लगा के देखते हैं, फॉन्ट साइज 15 पिक्सल नहीं, 15 से ज़्यादा है, 15 से ज़्यादा। वेल ये हम असल में इसको यहाँ से लगा रहे हैं, शायद इसलिए गड़बड़ा रहा है, हम इधर से आगे लगा रहे बॉडी पे, यहाँ पे आके अगर मैं लगाता हूँ फॉन्ट साइज़ 10 पिक्सल, ठीक है, फॉन्ट साइज़ मैंने बॉडी का यहाँ से 10 पिक्सल कर दिया, तो अब इस 1.5 का मतलब 15 पिक्सल ही रहेगा, ये वाले सारे तो अपने पेरेंट को देख रहे हैं ना, अभी ये क्या है, ये क्या कर रहा है, एक मिनट, मैंने ई एम या आर ई एम उल्टा तो नहीं बता दिया, ये चक्कर है यार, ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है वो, आए मतलब ही हो गया था, पेरेंट को नहीं देखा। अच्छा, इसके पेरेंट का अगर मैं दोनों साइज हटा दूं तब भी ये बड़ा रह रहा है, ये क्या चक्कर है यार, ऐसा कैसे हो सकता है, इसका पेरेंट ये रहा ना, इसके मैंने सारे साइजेस हटा दिए फिर भी ये, ओ हमने इसको यहाँ से, अच्छा यार इस एक्सटेंशन को मैं रिमूव कर देता हूँ, आई एम नॉट श्योर कि इसकी वजह से तो नहीं हो रहा कहीं, सही है, ये मैं दरमियान वाली स्टाइलिंग भी हटा रहा हूँ, इसकी दरमियान वाली स्टाइलिंग भी इसकी मैं हटा रहा हूँ जस्ट टू मेक श्योर कि ये इसको डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा कहीं, नीचे इन्होंने भी चार्ट बनाया हुआ है, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट तो ये रहेगा, थोड़ा सा डिफरेंट ये इस वजह से रहेगा क्योंकि ना वो एम का साइज़ देखता है, ये एग्जैक्टली वो वाला साइज़ नहीं देखता, तो वो तो मैंने आपको समझाने के लिए बोला था, अगर इसको मैं एग्जैक्टली, लेकिन यार ये ई एम और आर ई एम फ़र्क क्यों हो रहा है, ये फ़र्क तो नहीं होना चाहिए क्योंकि मैंने सारे स्टाइलिंग हटा दी, सारे साइज़ हटा दिए, तो ये 1.5 ई एम लगा रहा हूँ तो ये थोड़ा छोटा है, और आर ई एम लगा रहा हूँ तो ये थोड़ा बड़ा है, ऐसा हालांकि होना नहीं चाहिए, बराबर होना चाहिए, क्योंकि अगर ये रिलेट कर रहा है ना उसके साथ, एक मिनट ज़रा मैं भूल तो नहीं गया कहीं के, डिफरेंस बिटवीन ई एम एंड आर ई एम, ई एम इज़ द सी एस एस यूनिट रिलेटिव टू द फॉन्ट साइज ऑफ द पेरेंट एलिमेंट, ठीक है, वाइल आर ई एम इज़ द सी एस एस यूनिट रिलेटिव टू द फॉन्ट साइज ऑफ एच टी एम एल एलिमेंट, both of these are suitable html element, what does it mean by html element,
रिलेटिव टू दिस 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 आर स्टैंड्स फॉर रूट. सही है, आर ई एम का मतलब है कि वो रूट को देख रहा है कि रूट का साइज़ क्या है. तो अब मसला क्या है इसको, काम नहीं कर रहा आर ई एम और ई एम दोनों. हम कोई मिस्टेक कर रहे हैं बहरहाल, जो हमें अभी समझ नहीं आ रहा कि हम क्या मिस्टेक कर रहे हैं. आर ई एम इज़ अनदर ई एम. इसको देखें सर, ये क्या कह रहे हैं, क्या कह रहा है. हाँ, ये एक आर्टिकल इन्होंने निकाला है, आर ई एम वर्सेज अंडरस्टैंडिंग सी एस एस यूनिट दिस 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 0.5 0.5. One of the most noteworthy concept of the Grasmiller CSS unit is the distinction between REM and EM. ठीक है, one primary distinction between REM CSS and EM CSS unit is that EM unit is relative to the CSS font size of its parent, or REM unit is always relative to the root CSS font size. यार बट ये बिहेव थोड़ा डिफरेंटली कर रहा है. वेल, हमने कोई मिस्टेक की है इसकी वजह से कर रहा है ये, और कोई रीज़न नहीं है. हमने जो है ना कोई मिस्टेक की है यहाँ पर जिसकी वजह से ये हो रहा है. वेल, तो अब हम ये थोड़ा हमने देख लिया. अब इंशाल्लाह जब आप करेंगे तो आपको जब ये चीज़ें सामने आएंगी ना तो ऑटोमेटिकली आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या चक्कर चल रहा है. ठीक है, अभी हम इस पर ज़्यादा टाइम इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि बात ये है कि वो बात समझ आ जाए बस कि यार ये हो रहा है. अब हैंड्स ऑन ये इंशाल्लाह आप खुद करेंगे. अच्छा, अब यहाँ पर ना आप आएँगे नीचे तो यहाँ पर इन्होंने क्या बनाया हुआ है, एक चार्ट बनाया हुआ है. ठीक है, अब एक चार्ट आपका बनाया हुआ है लेकिन इस, अच्छा, इस चार्ट में इन्होंने बोला हुआ है कि भाई आप अभी इस वाले को देखेंगे, आप 16 पिक्सल स्केल को देखेंगे. ठीक है, क्योंकि डिफ़ॉल्ट में जो है वो 16 पिक्सल का स्केल होता है. अच्छा, 16 पिक्सल स्केल में बॉडी बाय डिफ़ॉल्ट 16 पिक्सल होती है, H1 बाय डिफ़ॉल्ट बॉडी का डबल होता है 32 पिक्सल होता है, H2 24 पिक्सल होता है, H3 18 पिक्सल होता है. ये एक बाय डिफ़ॉल्ट होता है, इसको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है. अच्छा, अगर मुझे किसी चीज़ को H1 जैसा बनाना है 16 पिक्सल में तो मैं उसको 200% करूँगा तो वो डबल हो जाएगा. ठीक है, 100% करूँगा तो बॉडी के बराबर हो जाएगा. ठीक है, और 150% करूँगा तो H2 के बराबर हो जाएगा. यानी किसी भी डिव को मैं H2 नहीं बोलना चाह रहा लेकिन साइज़ में उसका H2 के इक्वल रखना चाह रहा हूँ कि भाई जब भी ये दिखे ना तो H2 के बिल्कुल इक्वल दिखे ये. अच्छा, इसी तरीके से अगर मुझे किसी चीज़ को देखें, बॉडी है उसको 100% मैंने किया पहले कि भाई बॉडी 100% हो जाए, जो भी होती है बॉडी वो हो जाए. सही है, और साथ में मैंने क्या बोला, ओ अच्छा ये हमने यही तो मिस्टेक की है, बॉडी को हमने 100% मेंशन नहीं किया. ये ईएम लगाते हुए ना बॉडी को 100% मेंशन करना होता है, ये हमने मिस्टेक की. बाकी के साथ ईएम आ रहा है, बॉडी के साथ भी ईएम आना चाहिए ना. हाँ नहीं नहीं, बॉडी के साथ तो 100% इसको मेंशन करना होता है, जब जाके उसको पता चलता है अच्छा बॉडी कितनी है इस वक्त. वेल, अभी ये नीचे अभी बताएगा कि ये 100% क्यों लगाया इसने. अच्छा, नोट करने वाली बात हमारे पास ये है कि इसने बोला है कि भाई अगर किसी चीज़ को H1 के बराबर करना है तो आप क्या कर दोगे, 2EM. सही है, या 1.5 या 1.125, ये तीन तो इन्होंने कैलकुलेट करके दे दिया, बाकी आप ख़ुद भी कर सकते हैं कैलकुलेट. ठीक है, पैराग्राफ को 1EM के इक्वल करूँगा मैं तो वो पैराग्राफ जो बॉडी का साइज़ है उसके इक्वल बिल्कुल दिख रहा होगा. ठीक है, तो ये इन्होंने चार्ट बनाया हुआ है और इस चार्ट में अब नीचे इन्होंने ये डेफिनेशन लिखी है सारी. अब ये चार्ट आई होप के समझ आ गया होगा, हम ये अब यही करके देखा है हमने थोड़ी देर पहले. ठीक है, अच्छा अब हम आ जाते हैं ज़रा ये इस वाले मंजन पर कि यू हैव नोटिस दैट प्रोग्राम सच एज वर्ड, यानी MS वर्ड या फोटोशॉप और जो जितने भी जो ड्राइंग ऐप वगैरह हम देखते हैं, पेंट वगैरह, उसमें जो है ना मोस्टली ये स्केल इस तरह का ही होता है कि जी 8 पिक्सल, फिर 9 पिक्सल, फिर 10, फिर 11, 12. ठीक है, अच्छा, दिस इज़ बिकॉज अकॉर्डिंग टू द स्केल और रेशो दैट वाज डेवलप्ड बाय यूरोपियन टाइपोग्राफर्स इन 16th century. ये स्केल जो है ना यूरोपियन टाइपोग्राफर्स ने ये स्केल बनाया है 16th century में. अच्छा, 16th century में क्यों बनाया ये, 16th century में इसलिए बनाया है कि उस वक्त प्रिंटिंग प्रेस का बूम आया हुआ था. ठीक है, खैर प्रिंटिंग प्रेस तो पहले ही आ गए थे, 16th century से कुछ 40-50 साल पहले आ गए थे, लेकिन उन 40-50 सालों में ना इन्होंने देखा कि यार फॉन्ट का जो साइज़ है ना वो कितना होना चाहिए जो बेस्ट रहे, तो उन्होंने बनाया ये सारा स्केल कि भाई ये साइज़ होने चाहिए फॉन्ट के. अच्छा, क्यों, प्रिंटिंग प्रेस के अंदर क्या होता है, वो स्टैम्प बनती है जो हम रबर स्टैम्प सब लोगों ने देखा होगा, तो वो प्रिंटिंग प्रेस में असल में बनती है रबर स्टैम्प. ठीक है,
अगर किसी ने देखा हो प्रिंटिंग प्रेस की जो स्टैम्प होती है ना वो किस तरह की होती थी, ये होता है भाई, सही है, ये दिस इज़ एक्चुअल प्रिंटिंग प्रेस। आप देख रहे हैं हर वर्ड का एक वो छोटा छोटा बना हुआ है और उसको वो असेंबल करते हैं यूँ और चल मेरा भाई। ये देखें इस तरह से ना स्टैम्प इन्होंने बना बना के रखी होती थी, ठीक है, अलग अलग वर्ड भी बना लेते थे कुछ बंदे और कुछ बंदे उसको मिक्स करके बनाते थे। आप देख रहे हैं ये प्रिंटिंग प्रेस में इस तरह डब्बे बने होते थे और ये सारा, ये देखें इस तरह के ये फॉन्ट इन्होंने बना के रखे हैं, ये देखें ये प्रिंटिंग प्रेस में ना ये बनाया जा रहा है। आजकल के प्रिंटिंग प्रेस ऐसे नहीं होते हैं बाय द वे, आजकल के प्रिंटिंग प्रेस बड़े एडवांस हैं और उसके अंदर ये स्टैम्प वगैरह इस तरह का कोई मंजन नहीं होता, ठीक है। आप लेकिन उस ज़माने का ज़रा इमेजिन करके देखें, ये मंजन सर जो है गवर्नमेंट ऑफिसेज में रह गया बस, है अभी भी है नहीं यार, नहीं अगर तो ये वाला स्टैम्प है ना ऐसा वाला तो इसकी तो चले खैर है, नहीं नहीं मैं कह रहा हूँ कि अगर नहीं नहीं अगर मैं कह रहा हूँ ना अगर अबे भाई मैं ये नहीं कह रहा, ये तो मशीन न्यू है ना इसकी, लेकिन अगर इतने बड़े स्टैम्प की बात है कि जी मोहर लगानी है या कोई ऐसा इसके लिए तो सही है, लेकिन आप सोचें इस तरह करके ना ऐसे वाला करके, ये इस तरह की भी है, आपने पूरी बुक छापनी है, वो नहीं होगा, वो कैसे हो सकता है, हाँ ठप्पे होंगे लेकिन वो एक होंगे, 2 इंच 3 इंच 10 इंच तक के भी हो सकते हैं ठप्पे, जिस तरह आप कह रहे हैं बुक वाली बात भाई, आप इमेजिन तो करें कि जो पुरानी बुक्स होती थी ना अगर आप उसको आप गौर से देखेंगे ना, टोटल स्टैम्प पे बनी होती थी, हाँ ठीक है, पहले वर्ड बना देते फिर ठप्पे लगा देते, प्रिंटेड इन प्रिंटिंग प्रेस, अब आप इसके ना पेजेस पे आप गौर करेंगे ना, ये देख रहे हैं आप इसके पेजेस पे आप गौर करेंगे ना तो ये तेल निकल जाए बंदे का, और ये बस ये एक बार, अब वो क्या होता था कि एक ही दफ़ा में ना वो जो बना लेते थे, अब आप ये देखें ये जो है ना ये वर्ड, आप हमेशा इस तरह की जो पुरानी बुक्स होती है ना उसके आप देखेंगे वर्ड थोड़े आगे पीछे होते हैं, वो बिल्कुल अलाइन कभी भी नहीं होते, ठीक है। इवन उर्दू की जो हमारी जो बुक्स हैं ना बहुत सारी, जैसे अभी मैं इसमें उर्दू बुक लिखूँगा ना तो आप देखें उर्दू बुक भी ना प्रिंटिंग प्रेस वाली आ गई, आ जाएगी, वो तो मैं ठीक है बुक छप जाएगी, लेकिन मेरे ये दाना वाली बंदा का दो डब्बे एक जगह पे लगा देगा, चलो हाँ एक ही जगह पर डब्बा आ जाएगा, बस फिर उसको मिटा दे, पेज इधर मिटाएगा, पेज भी उस टाइम कपड़े के पता नहीं किसके बंदे थे, नहीं नहीं ये तो आ गए थे, पेज तो आ गए थे, पाइपरस आ गया था उस वक्त, मुझे वही उर्दू वाला मिल नहीं रहा सही नुस्खा, वेल ये जो है ना देखें उस ज़माने में ये अखबार छप रहा है इससे या पोस्टर छप रहा है बड़ा, ठीक है, तो बहरहाल वो कोई भी पोस्टर बनाना हो कोई भी अखबार बनाना हो पहले स्टैम्प बनानी पड़ती है, पहले ये पूरी स्टैम्प बनानी पड़ती है, ठीक है। आजकल के जो प्रिंटिंग प्रेस है उसमें होती है प्लेट, आजकल के जो है ना उसमें, अच्छा ये प्लेट वो पुराना वाला ही लेकर आ गया, ये पुराने वाले प्लेट है, इस तरह देखें आप पूरा एक पेज तैयार किया हुआ है, अब वो करते ये थे कि एक पेज पूरा ऐसे असेंबल कर लिया, अब एक पेज की निकालेंगे 2000 कॉपियाँ, अब वो 2000 कॉपी निकल गई, अब अगला पेज आएगा उसके बाद, एक दिन में एक पेज की 2000 कॉपी निकल गई, आज के दिन की दिहाड़ी पूरी, सही। अब अगले दिन आएंगे सुबह बैठेंगे सजाएंगे पूरा अगला पेज, या मे बी अगर इसको प्रिंटिंग पे, अच्छा प्रिंटिंग भी ये नहीं कि मशीन ऐसे चल रही है यूँ और निकल रहा है, वो क्या करते थे एक पेज को रखते थे यूँ और वो पेज को रख के इसके इसके ऊपर और एक इतना बड़ा सा वो स्टैम्प जो वज़न होता था उसको यूँ रख के ना वज़न को यूँ दबाते थे प्रेस करते थे और ये इसी वजह से उसका प्रिंटिंग प्रेस नाम पड़ा। अच्छा वो हटाया फिर उसके बाद एक रोलर होता था, रोलर से ना इस पूरे पे दोबारा से इंक लगाया,
रोलर से, और फिर रोलर हटाया, फिर पेज रखा, फिर प्रेस किया। तो ये नहीं कि मतलब वो प्रिंटिंग पे लगा दिया तो फिर वो फारिग हो गए, ये सजाने के बाद फिर उसको प्रेस भी करते रहना है। यानी 2000 कॉपी निकालनी है तो 2000 दफ़ा वो लिटरली प्रेस हो गई। देखें अखबार के लिए प्लेट बनाया हुआ, आप देखें अखबार के लिए ना एक फ़ोटो छापनी है अखबार में तो इस तरह से बनता था। ये रबर का होता तो वो टकाटक लोग होते थे उस वक्त एक्सपर्ट, वो ब्लेड और होता था इसका एक टूल बॉक्स होता है पूरा, बारीक बारीक ब्लेड होते हैं, वो टकाटक ब्लेड से मारा यूँ और वो तैयार हो जाता था। और आप सोचें कि किसी सीन को बंदे ने देखा है, सहाफ़ी ने, और हाँ सहाफ़ी ने देखा है और उसने उसको ना टकाटक टकाटक वो बनानी है तस्वीर। आप देखें ये हर साइज़ का फॉन्ट है इसमें, हर तरह का फॉन्ट है, लकीर भी है, सारे डब्बे हैं, बॉक्सेस हैं। तो ये अच्छा, आजकल की जो प्लेट होती है ना वो कुछ इस तरह की होती है, स्टील की होती है ये, ट्वेंटी लिख देता हूँ, स्टील की प्लेट होती है आजकल की, अभी वो मुझे एग्जैक्टली दिख नहीं रही है यहाँ पे। वेल तो उसमें ये होता है कि जो है ना स्टील की प्लेट होती है इस तरह की, हाँ यही है प्लेट, लेकिन इसमें वो फील नहीं आ रही ना कि स्टील की है ये एक दफ़ा क्या होता है, वो लेज़र प्रिंटर होते हैं उससे ये प्रिंट कर लेते हैं स्टील। अब वो इसको क्या होता है कि वो रोलर इसी को ही रोल करके ना मशीन में लगा देते हैं। अब इस पर ये जो पार्ट है ना जिस पे ये पिक्चर बनी है, ये पार्ट थोड़ा खुरदुरा होता है, ये इंक को पकड़ता है, और बाकी पार्ट जो है वो चिकना होता है, उसमें इंक नहीं पकड़ में आता। तो वो जब यूँ घूमता है ना तेज़ी से और फिर पेपर पे वो चल रहा होता है जब, तो ये जितने पार्ट में ये फ़ोटो बनी है ना उतना पार्ट ही छपता है, बाकी पार्ट प्लेन रहता है, ठीक है। लेकिन बाकी पार्ट में भी थोड़ा बहुत इंक टप चपक रहा होता है इधर उधर, आपने देखा होगा जो पंफलेट छपे होते हैं ना सारे, वो इसी के छपे हुए होते हैं। तो वो ये वाला चक्कर है, आप देखें ये प्लेट ना रोलर के ऊपर लिपटे हुए और ये गोल गोल घूमते जाते हैं और इधर से वो जाता जाता है जाता जाता है। अच्छा अगर कोई तो ब्लैक एंड वाइट प्रिंट है अगर, तो वो एक दफ़ा में निकल जाता है, लेकिन अगर दो तीन कलर हैं तो वो फोर कलर जो है सी एम वाई के, तो ये चार, एक दो तीन चार प्लेट जब चलती है ना तो एक निकलता है जाके, और पांचवी प्लेट पे उस पर वो जो ज़रा हर रोलर पे अलग अलग कलर होगा, हाँ हर रोलर पे अलग अलग कलर होता है, तो एक से निकलता है दूसरे में जाता है, दूसरे से निकलता है तीसरे में जाता है। तो इस तरह जब वो आखिरी वाले पे पहुँचता है तो जो है ना वो कलर पिक्चर निकलती है आगे से, ठीक है। अच्छा सम टाइम क्या होता है वो हल्का सा हिल विल जाता है ना तो वो मिस प्रिंट हो जाता है, मिस प्रिंटेड HTML अलग हो जाती है, CSS अलग हो जाती है। हाँ 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 HTML CSS जो है ना उसकी अलग हो जाती है। मिस प्रिंटिंग अक्सर आपने देखा होगा बहुत सारी जगहों पे, मिस प्रिंट हो जाता है ना ये, इस तरह का आपने नोट किया कि वो एक लाइन अलग हो जाती है, पीछे वाली लाइन अलग हो जाती है, इसको हम कहते हैं मिस प्रिंटिंग। ये इस वाले में आप नोट करें, ये बिल्कुल सही प्रिंट है, लेकिन इसमें क्या हो गया वो थोड़ा सा हिल गया है, पहले कलर में वो सही गया, दूसरे कलर में थोड़ा सा वो आउट हो गया, अलग हो गया। इसमें मिस प्रिंट की और कोई बेहतर एग्जांपल मिल रही नहीं है, ये देखें आप, ये एक बड़ी ज़बरदस्त एग्जांपल है मिस प्रिंटिंग की। ये मिस प्रिंटिंग इसमें क्या हुआ है कि एक कलर चला ही नहीं है, एक कलर कम चला है इसके अंदर, जब ही आपको थोड़ा वियर्ड लग रहा है इसमें, वेल तो यार ये हमने देख लिया कि भाई एक चक्कर क्या था प्रिंटिंग प्रेस का। तो बहरहाल इन्होंने ना, अब जाहिर है भाई वो स्टैम्प फिक्स थे ना यार, वो तो ये हो नहीं सकता था, तो उन्होंने बोला भाई 8 नंबर का होना चाहिए, 9 नंबर का होना चाहिए, और डायरेक्ट फिर 10 के बाद 11 भी होना चाहिए, 12-13 को छोड़ा हुआ है इन्होंने, 13 को मिस किया हुआ है इन्होंने, बोला भाई 13 वाला बेकार है, किसी काम का नहीं है, ठीक है डिज़ाइन लेवल की चीज़, हाँ 12 और 13 यानी बाकी को सीक्वेंस से लिखा है, और इन्होंने 13 को मिस किया, फिर 14 के बाद इन्होंने डायरेक्ट 18 लगाया, फिर 18 के बाद इन्होंने डायरेक्ट 24 लगाया, फिर 36 लगाया। तो ये जो सीक्वेंस ये उस वक्त बना है ना, ये वही वाला अभी तक चला आ रहा है। अच्छा अब ये देखें ज़रा क्या इन्होंने ये बोला है, इट इज़ कंसिडर्ड दैट दिस स्केल फॉर टाइप इज़ प्लेजेंट टू आईज, ये आँखों को ना ये अच्छा लगता है ये वाला साइज, इट हैज़ देयर फॉर चेंज लिटिल इन लास्ट 400 ईयर्स, कह रहे हैं कि पिछले 400 सालों में ना इसको कोई बहुत ज़्यादा चेंज किया नहीं गया, क्योंकि ये सही है, अच्छा ही है। फॉर दिस रीज़न यू आर डिज़ाइनिंग पेजेस यूजिंग साइजेस फ्रॉम दिस स्केल विल हेल्प देम लुक मोर अट्रैक्टिव,
कह रहा है कि आप स्क्रीन पे आप बना रहे हो तो आप इसी साइज़ पे बना दो, लोगों को ये साइज़ देखने की आदत है, लोगों को ये साइज़ अच्छा लगता है, इतने सालों से 400 साल से यही साइज़ देखे हैं ना, तो जितनी भी हम बुक पढ़ते हैं अखबार पढ़ते हैं वो बाई डिफ़ॉल्ट इन्हीं स्केल के ऊपर बना होता है, तो हमें वो अनफुलफिल एक हमें पता नहीं चलता लेकिन असल में हमें उसकी आदत है, और ये सही है, बिल्कुल ज़बरदस्त है। अच्छा, अब ये कह रहा है कि पॉइंट में ये जो बात हुई हुई है ना, ये पॉइंट का क्या चक्कर है कि एक इंच को 72 पे जब डिवाइड मारते हैं ना तो उसको कहते थे एक पॉइंट, ठीक है। आप देख रहे हैं कहाँ से 72 पिक्सल पर इंच जो डिजिटल एलसीडी में आपको दिखता है कि जी एक इंच में 72 पिक्सल है, उसका कहाँ से ये कनेक्शन है कि आज से 400 साल पहले जो प्रिंटिंग प्रेस होते थे उसके अंदर जो ये यानी साइज़ है ना इसका, ये कि भाई 10 पॉइंट या 11 ये पिक्सल नहीं है, ये पॉइंट्स हैं। अब पॉइंट क्या है भाई, पॉइंट का चक्कर ये है कि एक इंच को 72 जगह पे डिवाइड करेंगे ना, 72 हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो एक हिस्सा बनेगा एक पॉइंट, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो 72 पॉइंट है वो एक 72 पॉइंट के अंदर जो अल्फाबेट लिखा हो ए, वो पूरे एक इंच लंबा होगा, ठीक है। अब एक इंच का उसके बाद 60 पॉइंट है, यानी 72 का आधा कितना बना, 30 और 30 साठ, हाँ 36 बना, तो 36 जो लिखा होगा ना वो आधे इंच का होगा, 36 पॉइंट। और इसी तरह ऑनवर्ड्स आप लगा लें कि जी मिनिमम 8 पॉइंट का इन्होंने एक बनाया हुआ, ठीक है। तो यानी जिस स्क्रीन के ऊपर 72 पिक्सल का रेजोल्यूशन होगा, यानी 72 पिक्सल पर इंच होगा, तो वो इन पॉइंट्स को बखूबी दिखा पाएगा स्क्रीन पर। तो ये हो गई बात, हमें समझ आ गया। अच्छा, अब ये क्या बात हो रही है कि जी द डिफ़ॉल्ट साइज ऑफ द टेक्स्ट इन ब्राउजर इज 16 पिक्सल, सो दैट इफ़ यू यूज़ परसेंटेज और EMS यू कैलकुलेट द साइज ऑफ टेक्स्ट यू वॉन्ट बेस्ड ऑन द डिफ़ॉल्ट साइज ऑफ द टेक्स्ट यूज इन ब्राउजर विंडो। अब कह रहा है कि भाई अगर आप 16 पिक्सल का डिफ़ॉल्ट है ना टेक्स्ट, तो आप परसेंटेज में बात करोगे या आप करोगे EM में बात करोगे आप, तो आप क्या करोगे असल में, आप इस 16 पिक्सल को स्केल बना के आगे बढ़ रहे होते हो आप। फॉर एग्ज़ाम्पल यू कुड स्केल डाउन टू 12 पिक्सल फॉर बॉडी एंड स्केल अप टू 24 पिक्सल फॉर द हेडिंग, ठीक है। वो कह रहा है कि आप ये भी कर सकते हैं कि आप बॉडी को अगर 16 पिक्सल नहीं बनाना चाहते, आप बॉडी को 12 पिक्सल बनाना चाहते हैं, तो आप बॉडी को 12 पिक्सल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, रिसेंटली सम वेब डिज़ाइनर्स हैव स्टार्टेड टू लीव द बॉडी टेक्स्ट एट द डिफ़ॉल्ट साइज ऑफ 16 पिक्सल। यार इस वाले में ये कह रहा है ना कि भाई इस वाले में क्या होता था, 12 पॉइंट का होता था टेक्स्ट, लेकिन वो कह रहा है कि रिसेंटली क्या हुआ है, कुछ वेब डेवलपर ने क्या कर दिया है, 16 पिक्सल ही छोड़ देते हैं, वो 12 पे नहीं लेके जाते, ठीक है, और डिफ़ॉल्ट भी 16 ही है। अच्छा, व्हेन यू फर्स्ट सी बॉडी टेक्स्ट एट 16 पिक्सल इट माइट सीम क्वाइट लार्ज। कह रहे हैं कि जब आप पहली दफ़ा आप देखेंगे ना बॉडी का जो साइज़ है 16 पिक्सल, तो वो आपको जो बुक वगैरह आप पढ़ते हैं उसके मुकाबले में वो काफ़ी बड़ा लगेगा, बट वंस यू गेट यूज्ड टू द लार्ज टाइप हाउएवर मोस्ट पीपल फाइंड इट फार ईजियर टू रीड। अच्छा, ये एक बहुत बड़ा इशू रहता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर कि भाई ये फॉन्ट जो होता है ना, ये जितने भी अंकल होते हैं ना बोलते हैं भाई फॉन्ट बड़ा कर देते हैं हम, फिर बोलते हैं और बड़ा करो, क्योंकि भाई अब जो यंग डेवलपर होता है ना, यंग डेवलपर कैन नॉट एम्पेथाइज के एक एजड बंदे को क्या दिख रहा है, कैसे नज़र आ रहा है, तो ये बकायदा जो है ना एक मतलब एक गौर तलब बात है एक डेवलपर के लिए कि वो इस चीज़ को ना टाइम लगा के एम्पेथाइज करे कि जी अच्छा जी 70 साल का जो बंदा है ना उसको दिखता कैसा है। इस पर बकायदा वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी यूट्यूब पर कि जी एक सीन अगर एक यंग बंदे को कैसा दिख रहा है और वो एक बच्चे को कैसा दिखता है और वही सीन एक 70 साल के बंदे को कैसा दिखता है, तो इस पर यूट्यूब पर बकायदा वीडियोस बनी हुई हैं, मेडिकल एक्सपर्ट ने अपना ओपिनियन दिया हुआ है। मिसाल के तौर पर जो छोटा बच्चा होता है ना उसको कुछ भी नज़र नहीं आता ये एक मज़े की बात है, शायद आप लोगों को पता है नहीं। जो छोटा बच्चा होता है ना, जो नौमौलूद होता है, जो यानी तकरीबन 2 महीने या 3 महीने तक, शायद बच्चे को कुछ भी नज़र नहीं आता। बच्चा जो अपनी माँ को पहचानता है वो उसकी खुशबू से पहचानता है, या जो भी जिन लोगों को बच्चा पहचानता है जिनके पास वो जाता है उनको उनकी खुशबू से पहचानता है, उसको नज़र वज़र कुछ नहीं आता, यानी उसका जो विज़न होता है ना वो 3 या 4 इंच तक उसको दिखता है, उसके आगे का सब ब्लर होता है, उसको कुछ भी नज़र नहीं आता, ठीक है। फिर इसी तरह जैसे जैसे वो बड़ा होता है ना तो फिर वो उसका विज़न बढ़ना शुरू होता है और अल्टीमेटली जाके ना 3 साल पे या 4 साल पे जाके उसका विज़न पूरा हो जाता है,
यानी जितना डेवलप होना होता है वो हो जाता है। अच्छा, फिर एट फ्रॉम दैट पॉइंट वो नीचे आना शुरू होता है, फ्रॉम दैट पॉइंट वो अब विजन जो हो गया ना उसका 100% पे पहुंच गया जितना डेवलप होना था, अब वहाँ से वो आहिस्ता आहिस्ता करके नीचे आता है एज के साथ, फैक्टर के साथ, फिर डिपेंडिंग ऑन के वो आँखों का कितना ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, कुछ बंदे होते हैं जो आँखों का इतना इस्तेमाल नहीं होता उनका, तो उनकी आँखों का कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन जो लोग ड्राइविंग करते हैं, जो लोग भाई प्रोफेशन ड्राइवर हैं, आँखों का 24 घंटे इस्तेमाल होता है, या कोई अगर कोई मॉनिटरिंग का काम करता है किसी जगह पे, ठीक है, या मिलिट्री में या किसी फैक्ट्री में कोई चीज़ मॉनिटर करता है वो, तो वो आँखों का बड़ा इस्तेमाल करता है। तो इसी तरह जो थोड़े मुख्तलिफ प्रोफेशन हैं जिसमें शायद आँखों का इतना इस्तेमाल नहीं है, तो उनकी आँखें थोड़ा डिफरेंट तरीके से एज करती हैं। जो या जैसे जो कंप्यूटर वगैरह पे लोग काम कर रहे होते हैं, आँखों का इस्तेमाल उसमें भी होता है। ठीक है, मिसाल के तौर पे जैसे जो सिंगर होता है, अब सिंगर ना वो सिंगिंग करने में आँखों का शायद इतना काम नहीं होता जितना एक ड्राइविंग करते हुए आँखों का इस्तेमाल होता है। तो डिपेंडिंग ऑन के वो क्या कर रहा है, वो किस सिनेरियो में रह रहा है, वो किस तरह का खाना खा रहा है, उसके विजन में ना वो डिक्रीज़ देखने में आता है और वो वक्त के साथ साथ डिक्लाइन करती है। और अल्टीमेटली जो है ना आजकल जो शायद स्कोर चल रहा है हमारे पाकिस्तान में, वो शायद 70 ईयर्स में जाके उसको नज़र आना बिल्कुल कम हो जाता है। यानी 70 ईयर्स में पहुंचने के बाद ना बगैर ग्लासेस के उसको कुछ भी नज़र नहीं आता। ठीक है, 65-70 में जाके नज़र आना उसको बिल्कुल ही बंद हो जाता है। ठीक है, लेकिन हमारे पास मेडिकल साइंस अच्छी खासी तरक्की कर गई है, तो क्या होता है कि जी 70 साल में भी जो वो क्या होता है, वो लेजिक सर्जरी के ज़रिए या कॉन्टैक्ट लेंसेज के ज़रिए या ग्लासेस के ज़रिए उसकी विजन को ना बहाल कर लिया जाता है। ठीक है, करीब का देखने के लिए उसको रीडिंग ग्लासेस चाहिए होते हैं और दूर का देखने के लिए उसको जो जो ये माइनस वाले ग्लासेस हैं ये चाहिए होते हैं। खुराक का भी थोड़ा बहुत होता है। हाँ बिल्कुल, खुराक का भी हमारे जो दादे जो वो तो मक्खन और दूध खा के पले हुए, हम लोग पापों के पले हुए हमारी नज़र जाए। हाँ नहीं यार, ये आपने बात सही की। मेरा दादा ऐसा 76 साल उसकी एज है लेकिन चश्मा नहीं लगा था कुरान शरीफ पढ़ते हुए। अच्छा अच्छा, नहीं असल में वो बात ये है कि वो करते क्या है, उनका प्रोफेशन क्या है, वो उनका तो बहुत बहुत है ज़मींदार बस, तो उनका आँखों का इस्तेमाल नहीं है ना इतना। ज़मींदारे में तो ये होता है वो ज़रा मोटा मोटा दूर से एक नज़र मारना होता है, और अगर इंस्पेक्शन करनी होती है तो कोई एक पौधा उठा के उसकी इंस्पेक्शन होगी, या 10-10 फिट की दूरी पे 4-5 की अगर इंस्पेक्शन कर ली तो कहानी समझ आ जाती है पूरी। तो आँखों का उनका शायद इतना इस्तेमाल नहीं रहा होगा, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। दूसरा जो आपने जिक्र किया ना कि जो फूड से भी है, फूड से ज़्यादा असल में आँखों का इस्तेमाल मैटर करता है, या आँखों का इस्तेमाल कितना हो रहा है। ठीक है, फूड जो देखें आँखों में ना दो तरह की वीकनेस होती है। नंबर एक वीकनेस तो ये होती है कि आपका जो पीछे जो पर्दा होता है ना आँखों का, यानी जो जिसको क्या कहते हैं वो ऑप्टिक नर्व जो है उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाए। अच्छा, ऑप्टिक नर्व में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए ना इस वक्त, तो वो मेडिकल साइंस के लिए भी एक बहुत बड़ा मसला है। उसका मेडिकल साइंस में आप समझ लें कि इलाज नहीं है इस वक्त। जो ऑप्टिक नर्व में, यानी जो लेंस में इमेज जाती है और ऑप्टिक नर्व में जाके वो ड्रॉ होती है, और ड्रॉ होती है तो ब्रेन उसको कुछ उससे कुछ मतलब निकालता है उस नर्व के ऊपर। जैसे कैमरे में भी क्या होता है, अंदर एक वो लेंस के पीछे ना एक पर्दा लगा होता है कैमरे में, उसको वो कहते हैं सेंसर। तो सेंसर कहते हैं आजकल, तो बड़े साइज़ के सेंसर आ गए, तो वो उस सेंसर के ऊपर जब इमेज लगती है ना जाके लेंस से रोशनी टकरा के, तो वो इमेज कैमरा उसको कुछ समझता है, कुछ कंसिडर करता है। ठीक है, अच्छा ये वाली जो वीकनेस है ना ये बहुत कम होती है, जो ऑप्टिक नर्व वाली। अच्छा, ऑप्टिक नर्व की जो वीकनेस है उसके लिए भाई वो विटामिन पता नहीं कौन से हैं वो खाते हैं, वो बादाम वादाम ये सारा खाते हैं ना, ये ऑप्टिक नर्व का चक्कर है सारा। कि आपका जो ब्रेन साइड से जो है ना, जो ब्रेन के अंदर जो प्रोसेस हो रहा है, यानी उस ऑप्टिक नर्व पे लगती है फोटो और वहाँ से जो ब्रेन में अंदर कहानी चल रही है सारी, ये सारा बादाम से ताल्लुक है इसका। हाँ, विटामिन ए वगैरह या जो भी बादाम के मामला थे ना, खाने पीने से ताल्लुक है इसका। अच्छा, अब उसके पहले जो हमारा आई बॉल है, आई बॉल का जो ताल्लुक है ना, आई बॉल में क्या होता है कि जी हमारा जो लेंस है हमारा, अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा ना लेंस, तो ये आई बॉल लेंस लिखूँगा ना मैं, ये आप देख रहे हैं, ये हमारा ऑप्टिक नर्व है इस जगह पे। इससे इधर इधर के सारे जो मामलात हैं ना, ये वाला जो पार्ट है सारा, इसका ताल्लुक बादाम से नहीं है, इसका ताल्लुक जो है ना केयर से है आपकी,
कि आप कितना केयर कर रहे हैं अपनी आँखों का, किस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, धूल मिट्टी में रह रहे हैं, धूप में रह रहे हैं आप, आँखों के इस्तेमाल से ताल्लुक़ है इसका, इन चीज़ों से ताल्लुक़ है। अच्छा, इसमें जो सबसे ज़्यादा इस वक्त प्रॉब्लम है ना, वो ये है कि इसमें ना मूवमेंट होती है। जब आप दूर देखते हैं ना तो ये थोड़ा सा मूव होता है, ये जो मंजन है ना ये वाला, ये थोड़ा सा मूव होता है दूर दिखाने के लिए आपको, ठीक है। और जब करीब देखते हैं तो ये थोड़ा सा मूव होता है। तो हमारे पास ये जो मसल्स हैं ना ये वाले, एज के साथ साथ सबसे पहले इन मसल्स में प्रॉब्लम आती है। इन मसल्स में प्रॉब्लम आने की वजह से क्या होता है, जब आप दूर देखते हैं ना तो ये मूव नहीं हो पाता, तो आपको दूर का दिखता नहीं है। सही, ठीक है। अच्छा, तो इसकी एक एक्सरसाइज भी करवाते हैं कि जी, और आपको मैं मज़े की बात बताऊँ, नमाज में भी इसकी एक्सरसाइज है कि आप क्या करते हैं, ऐसे अपना हाथ रखते हैं आँखों के बिल्कुल करीब और इस पर आप फोकस करते हैं, ठीक है, इस पर आप फोकस करते हैं, तो वो आपका जो स्ट्रेच मिलता है आपके उस मसल को। और फिर आप क्या करते हैं, 10 फीट दूर देखते हैं और उस पर फोकस करते हैं। तो इसको जैसे टांगों को स्ट्रेच करते हैं ना सुबह उठते हैं, तो जब सुबह सुबह पहली दफ़ा उठो और टांगों को पहला स्ट्रेच दो तो बड़ा दर्द करता है वो, तो इस तरह आँखों में दर्द शुरू हो जाता है ये वाली एक्सरसाइज से। लेकिन जब ये वाली एक्सरसाइज करते रहो तो बहुत से लोगों का ऐसे चश्मा भी उतर जाता है जिनका ये प्रॉब्लम है। अगर तो इधर प्रॉब्लम है ना तो वो तो भाई ऑपरेशन से भी नहीं होता, हाँ वो बड़ा उसका मसला है, उल्टा काम है वो, ठीक है। तो अब ग्लासेस के ज़रिए वो करते क्या हैं, वो ग्लासेस के ज़रिए ये करते हैं कि इसकी जो एडजस्टमेंट है ना, जो ये आगे पीछे इसने होना होता है, इसमें जो आपके लाइट जो एंटर होती है ना आँखों के अंदर, वो कुछ इस तरह से एंटर होती है। ये लाइट है, ये ऑब्जेक्ट है, और लाइट इस ऑब्जेक्ट पर टकराती है कि कहीं से भी लाइट आ रही है वो इस ऑब्जेक्ट पर टकराती है और टकरा के आपकी आँखों में दाखिल होती है। ये हमने कलर जब डिस्कस कर रहे थे कि कलर बंदे को दिखता कैसे, तो हमने ये बात डिस्कस की थी कि कहीं से रोशनी आ रही है वो इस ऑब्जेक्ट से टकराती है और ऑब्जेक्ट से टकरा के हमारी आँखों में दाखिल होती है। अब आप देखें, आँखों में जब दाखिल हो रही है ना ये, तो लेंस क्या कर रहा है, इसको लेंस, ये कॉनकेव लेंस होता है, इसको ये दोबारा दबा देता है और एक पॉइंट पीछे बनता है जाके, एक पॉइंट पीछे बनता है जाके। अब ये इमेज ना, ये लेंस किस जगह पे मौजूद है, डिपेंडिंग ऑन कि ये लेंस किस जगह पे मौजूद है, ये पॉइंट या थोड़ा सा इधर बनेगा या थोड़ा सा इधर बनेगा, ठीक है। अगर मैं पिन होल कैमरा दिखाऊँ ना, वो एग्जैक्टली इसी पे चलता है। पिन होल कैमरा वो है जो हमारे मोबाइल फ़ोन्स में होता है, क्या आप देख रहे हैं, मोबाइल फ़ोन में जितने भी कैमरे होते हैं ना, ये पिन होल कैमरा होता है कि एक इमेज दिखती है, बीच में लेंस लगा होता है, ये इस जगह पे लेंस होता है, ये तो असल में डायग्राम है तो इसमें लेंस नहीं बताया हुआ, ये लेंस लगा होता है और इधर अपोजिट जाके ना पिक्चर ड्रॉ होती है, इधर अपोजिट पिक्चर ड्रॉ होती है। तो ये पिक्चर जो है ना सही जगह पे ड्रॉ होनी चाहिए आँखों के अंदर। अगर ये पिक्चर थोड़ी आगे ड्रॉ होगी या थोड़ी पीछे ड्रॉ होगी तो वो हमें ब्लर दिखती है वो, ठीक है। ये आप देखें इस तरह करके, तो ये पिन होल कैमरा ना असल में बिल्कुल सेम उसी तर्ज पे इन्होंने बनाया जिस तर्ज पे एक इंसान की, ये पिन होल कैमरा और ये वन ऑफ द फर्स्ट कैमरा है, ठीक है। अब तो इसकी जदीद किस्म आ गई है हमारे पास, जो हमारे पास बिल्कुल ही छोटा उसके अंदर जो है ना वो होता है, बिल्कुल ही छोटा उसका होल होता है, ठीक है। ये एक्टिविटी भी करवाते हैं साइंस की क्लासेस में, अगर आप, पता नहीं आप लोगों ने की हो, नहीं की तो आप ये यूट्यूब देख के कर सकते हैं, यूट्यूब में बड़ा वो अच्छा आजकल वो आ रहा होता है सब में। अच्छा, अब ये अगर थोड़ा सा इधर बनता है ना तो आपको क्या करना होता है, प्लस के ग्लासेस चाहिए होते हैं। जो प्लस और माइनस है ना असल में, वो यही चक्कर है कि जी इसको दूर करना है कि करीब करना है, प्लस और माइनस का जो चक्कर है सर। अच्छा, अगर आप ज़्यादातर अगर आप देखते हैं करीब की चीज़ों को तो आपकी दूर की नज़र ख़राब हो जाएगी, क्योंकि दूर आप देख नहीं रहे, तो ये जो इधर मसल्स है ना आपके, ये मसल्स ये उसको दूर कर ही नहीं रहे, वो एक ही जगह पे घूम रहा है। मिसाल के तौर पे अगर कोई बंदा ना अपनी गर्दन बस यहाँ तक लाता है इधर तक, तो अब वो एक सर्टेन टाइम के बाद ना वो जब पीछे करेगा ना यूँ, तो उसकी गर्दन घूमेगी नहीं, मसल जो है ना उतने पर ही लिमिट हो जाता है, उससे ज़्यादा आगे नहीं जाता। मिसाल के तौर पर आपने देखा होगा वो कराटे वाले बंदे होते हैं ना, वो पूरी टांग यूँ खोल के ज़मीन पर बैठ जाते हैं, वो उनके मसल्स जो है वो स्ट्रेच होते हैं डेली। अब वो नहीं करेंगे ना स्ट्रेच तो थोड़े दिनों में नहीं हो पाएगा। उस्ताद आया ना शेर खान, हाँ उस्ताद शेर खान से हमारी बड़ी हुई थी पीटी में पूरा जो है ना सब हमने खेंचतान के बराबर किया। कराटे मास्टर है ना हमारा उस्ताद, दो चार, हाँ नहीं मुझे बता रहे थे वो, बस अभी वो क्या कहते हैं कि अल्लाह पाक खुश रखे, लेकिन उस वक्त बड़ा गालियाँ नहीं देते। तो अब अगर कोई बंदा ना करीब करीब ही देखता है सिर्फ, तो दूर की नज़र उसकी ख़राब हो जाएगी, हाँ मसल वो दूर वाले पे स्ट्रेच ही नहीं करेगा। अच्छा, अगर कोई बंदा दूर दूर देखता है, जैसे ड्राइवर्स वगैरह आमतौर पे दूर दूर ही देखते हैं, 8-8 घंटे डेली वो दूर देख रहा होता है, उसकी करीब की नज़र ख़राब हो जाएगी।
अच्छा, अब मिसाल के तौर पर मैं जो देखता हूँ ना, मैं तकरीबन 2 फीट की दूरी पे इसको रख के देख रहा हूँ और डेली बेसिस पे इतने पे मैं काम कर रहा हूँ। अब मेरी जो नज़र है ना, एक सर्टेन टाइम के बाद ना इससे मज़ीद करीब मुझे दिखना बंद हो जाएगा और दूर भी दिखना बंद हो जाएगा। तो मुझे अगर कोई चीज़ करीब से पढ़नी है ना यहाँ पे लाके, तो मुझे उसके लिए चाहिए होंगे रीडिंग ग्लासेस यानी कि प्लस वाले, और अगर मुझे दूर देखना है तो मुझे चाहिए होंगे माइनस वाले। तो ये चक्कर है, तो ये एक प्लस माइनस का चक्कर है। फिर दूर की नज़र में एक दूसरी चीज़ भी होती है, दूसरी चीज़ ये होती है कि इसके ये जो गोल बॉल है ना हमारा, इस ये थोड़ा अनइवन हो जाता है, ये थोड़ा ओवल हो जाता है, तो फिर वो हो जाता है सिलेंड्रिकल। फिर उसमें होता ही है कि पिक्चर जो यहाँ से आ रही है ना, जो मानी जिस तरह पिक्चर आ रही है वो अपोजिट उल्टी होकर इधर ड्रॉ होती है, तो उसका एंगल थोड़ा सा चेंज हो जाता है, उसको हम कहते हैं सिलेंड्रिकल। ठीक है, ये डिफरेंट हमारे पास जो है ना, ये आप देख रहे हैं थोड़ा सा इसका एंगल चेंज हो जाता है, इसमें अनइवन हो जाता है। ये जो आपका जो है ना, इसको मिस शेप कॉर्निया कहते हैं। कॉर्निया का शेप जो है ना बिल्कुल गोल होने के बजाय थोड़ा एक तरह से दब जाता है। नहीं नहीं, आप देखें ये जो अब जो पिक्चर ड्रॉ हो रही है ना, ये अलग अलग तीन जगहों पे हो रही है, आप नोट कर रहे हैं, एक पिन पॉइंट पे नहीं हो रही। बस ये मैं थोड़ा सा ही खाता हूँ। तो ये एक डिफरेंट प्रॉब्लम है, इसको हम कहते हैं सिलेंड्रिकल, ये प्लस माइनस नहीं है। तो मेरे पास जो ग्लासेस मुझे लगे हैं वो सिलेंड्रिकल हैं। सिलेंड्रिकल में आप जब देखेंगे ना इमेज को, आप चश्मे को ऐसे दूर करेंगे और यूँ देखेंगे, और जब चश्मे को आप मूव करेंगे ना यूँ सर्कुलर ऑर्डर में, तो ये पिक्चर आपको मूव होती हुई दिखेगी। एक में ओवल हो जाएगी, एक में सीधी हो जाएगी, ये वाला होगा। तो वेल, तो ये डिफरेंट किस्म के हमारे पास जो है ना आँखों के अंदर ये चक्कर हैं। तो वेल, हम बात क्या कर रहे थे, हम बात ये कर रहे थे कि जो ये हमारा जो 16 पिक्सल वाला है ना, कह रहा था कि ये वेन यू सी बॉडी टैक्स एक 16 पिक्सल, इट माइट सीम क्वाइट लार्ज, ये आपको बहुत बड़ा लग सकता है, लेकिन आपको थोड़ी आदत हो जाएगी थोड़े दिनों में। तो ज़्यादातर जो हमारे पास सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट आती है ना, ख़ासतौर पर जो मेच्योर किस्म के सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे आपका जो एक हमने ऐप बनाई थी वो बुक रीडिंग की ऐप थी। अब वो उसमें बुक रीडिंग में ना खुलती तो बुक थी वो PDF के अंदर, अब लेकिन वो कह रहा है कि यार इसका टेक्स्ट बड़ा करो, ये तो मुझे नज़र ही नहीं आ रहा, अब इसका टेक्स्ट कैसे बड़ा होगा। अब वो चक्कर ये हुआ है कि भाई वो बूढ़े लोगों को ना वो सही तरह नहीं दिखता, उतना सही नहीं दिखता उनके, ना सिर्फ इधर मसला आ जाता है इसमें, या बता रहा हूँ ना ये दो तीन मसले बताए मैंने, ये 2-3 मसले एक साथ भी होते हैं, और ऑप्टिक नर्व भी जो है ना थोड़ी वीक पड़ जाती है, ऑप्टिक नर्व वीक पड़ जाती है, जिसकी वजह से यहाँ जो इमेज ड्रॉ होती है ना वो ब्रेन उसको उस तरह से पिक नहीं कर पाता। जाहिर है ये एक मसल है ना, ये गोश्त है, एक बॉडी पार्ट है ये, तो जैसे स्किन में झुर्रियाँ पड़ जाती हैं इस तरह यहाँ भी झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, जिसकी वजह से वो इमेज ना उस तरह से प्रॉपर नहीं जा पाता। तो उनको कुछ छोटा लिखा हुआ टेक्स्ट जो है ना वो उस तरह से नहीं दिखता, हाँ छोटा लिखा हुआ टेक्स्ट उनको वो सही तरह से नहीं दिखता, तो उनको चाहिए होता बड़ा टेक्स्ट। जैसे आप मिसाल के तौर पर ले लें, एक पिक्सेलेट हुई स्क्रीन है, अब पिक्सेलेट हुई स्क्रीन में छोटा छोटा लिखा होगा तो वो कहाँ पढ़ा जाएगा, लेकिन अगर थोड़ा बड़ा होगा तो उसके पढ़ाए जाने के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं। तो ये जो है ना, ये हमें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है एज अ डेवलपर, इस पर थोड़ा सा टाइम लगाने की ज़रूरत है कि यार बड़े जो उम्र के लोग हैं ना उनको दिखता कैसे है, ताकि जब आप बड़े एज ग्रुप के लिए स्पेसिफिकली सॉफ्टवेयर बनाए ना तो आपको इसका अंदाजा हो। वेल, तो इन्होंने बोला भाई कि ना मोस्ट पीपल फाइंड इट फार ईजियर टू रीड एंड गोइंग बैक टू अ पेज वेयर मेन टाइप इज 12 पिक्सल विल ऑफन देन लुक क्वाइट स्मॉल। कह रहा है वंस आपको 16 पिक्सल की आदत हो जाएगी तो आप बोलोगे यार 12 पिक्सल तो बहुत छोटा है, ठीक है। तो 16 पिक्सल जो है नया स्टैंडर्ड बनता जा रहा है। तो हमने ये देख लिया कि जी फॉन्ट के ये स्केल विस्केल के टाइप के जो सारे चक्कर हैं ना, ये सारे हमने आज कवर कर लिए, इसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं है, सही है। ठीक है जी, तो बस आज को हम यहीं तक रखते हैं। ये तो हम सारा हम ये तो पढ़ चुके हैं, फॉन्ट फेस बनाना पढ़ चुके हैं, अब हम नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, फॉन्ट वेट है, ये तो जस्ट एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। फॉन्ट वेट, फॉन्ट स्टाइल, ये इटैलिक कर सकते हैं यार उसको, अपर केस लोअर केस में ट्रांस, चलो हम यहाँ से शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है जी, चलो।